ओ, ये वही है जो उस दिन एड में देखी थी। देख लीजिए, उस दिन आपने पसंद की और चीज हाजिर है। थैंक यू जॉन, यू आर अ वंडरफुल वाइफ। यू मीन आई एम द बेस्ट, है ना? मैं नाश्ता लगाती हूँ। ओके जॉन, मैं चलता हूँ। बस बाय 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 मेरी जान। पापा घूमी 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 बेटा, कल चलेंगे। नो पापा, जी पापा, तुमने आज का प्रॉमिस किया था, भूल गए? प्लीज, मैं क्या बताऊं जान, फुर्सत ही नहीं मिल पा रही। आज ही चलना है पापा, कल चलते हैं, कल चलते हैं जान। टुमारो नो एंगेजमेंट्स। तुम मित्रों ने तो ये दंगा मचा देगी, मैं से मना लूंगी। तुम्हें देर हो रही है ना, जाओ। अच्छा 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 अच्छा, पापा को ठीक से बाय तो कर देते जान। नहीं लोते बेटे। अच्छा मामा लेके जाए आपको घूमोगे? नो लोई लोई कहाँ जाए? वंडर वर्ल्ड। यस यस, मजा आ रहा है। वाओ, यू हैविंग फन? मामा, मामा, पापा, पापा कहाँ? सुनो शेखर, मैं तुमसे पहले से ही कह रही हूँ कि सरिता को हमारे बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। बता देने से क्या होगा रही? मैं सरिता को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ना ना बेटा, चुप हो जा। देखो शेखर, सरिता तुमसे कुछ भी कहे, कुछ भी सुनाए, तुम सुन लेना प्लीज। और अगर वो तुम्हें मुझसे अलग हो जाने के लिए भी कहे तो भी मान लेना, क्योंकि तुम पर पहला हक उन्हीं का है। तुम्हारा भी तो उतना ही हक है रेनू, ना मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ ना उससे।
और सरिता को अब इस वास्तविकता का सामना करना ही पड़ेगा। शेखर तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें पता देखो है। तुम जितनी उसकी इज्जत करती हो उसे भी तुम्हारी उतनी इज्जत। शेखर, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। तुम्हारे डैडी के मुझ पर बहुत एहसान थे। मैं शादी से इनकार नहीं कर सका। मैंने रेणु को भूलने की बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन वक्त ने हमें एक बार फिर से मिलवा दिया। मुझे माफ कर दो सरिता, मुझे माफ कर, मुझे सरिता, एक बात और, हमारी शालू का इस दुनिया में कोई नहीं, उसे अपना लो सरिता। तुम सच्ची माँ और कौन हो सकती है मेरी खातिर। आई बेग ऑफ यू सरिता, वादा करो मुझसे, वादा करो, प्लीज प्लीज सरिता, प्लीज। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कोई सोता है आंचल के तले, कोई दिल ममता को तरसता है,
कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं प्यार ही प्यार बरसता है। कभी दर्द है तो कभी मरहम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। गुजरे हुए लम्हों की यादें हर वक्त हमें तड़पाती हैं, एक साया बन के आती है, एक साया बन के जाती है। एक तन्हाई का आलम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। कुछ जीने की मजबूरी है, कुछ इस दुनिया की रस्में हैं। कुछ दिन हैं खोने पाने के, कुछ वादे हैं कुछ कसमें हैं। एक बेचैनी सी हर दम है, जीवन सुख दुख का संगम है। I think this cough is horrible. हाय बी, बड़ी अच्छी लग रही हो। कोशिश तो कर रही हूँ। जूनिया, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? बताया तो था, वो जो लोन के लिए अप्लाई किया था ना, हाँ, उसके बैंक ऑफिसर्स आज मेरे बुटीक आ रहे हैं। तो इसमें नर्वस होने की क्या बात है? लोन तो क्या तुम्हें देखते ही पूरा बैंक दे देंगे और कहेंगे निमी जी आप जब चाहिए लौटाइए और नहीं चाहिए तो मत लौटाइए, राइट? हाँ। मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मामा। शालू तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ऐसे स्लाइड नहीं करना चाहिए। जी पर मैं क्या करूं मामा, मैं हमेशा भूल जाती। सॉरी, आई एम नर्वस मामा। यू जस्ट डोंट वरी निमी, बस तुम कॉन्फिडेंस से बात करना। कॉन्फिडेंस से नहीं मामा, ओवर कॉन्फिडेंस से। आजकल ओवर कॉन्फिडेंस का जमाना है जान। शालू तुम हर बात का मजाक मत उड़ाया करो, जिंदगी में हर चीज मजाक नहीं होती, समझी? लेकिन पता नहीं क्यों फिजूल की बातें करती रहती है। ठीक है मैं चली जाती हूँ, ऑल द बेस्ट। शालू जूनियर। ओ गॉड, देखा आप क्या किया जूनियर ने? पता नहीं तुम्हें कुत्ते इतने क्यों पसंद है। क्योंकि आपको पसंद नहीं है। वैसे भी आपको मेरी कौन सी चीज पसंद है मामा? क्या चीज अच्छी लगती है? मैं जो बोलती हूँ वो गलत है, जो सोचती हूँ वो गलत है, जो पहनती हूँ वो गलत है, मुझे तो लगता है मेरा यहाँ रहना ही गलत है। शालू निमी देखा तुमने? मामा रहने जानबूझ के करती है वो। रंगीला
लगता है माँ के साथ फिर कोई प्रॉब्लम हुई। ढिशू ढिशू, शालू शालू, माँ के साथ फिर कोई बहस हुई क्या? हाँ क्या हुआ शालू? हाँ तू उसको खुश देखना चाहता है? हाँ हाँ, तो फिर उसे आज बता दे तू उससे प्यार करता है। हाँ हाँ नहीं, नहीं नहीं, अगर उसका मूड और बिगड़ गया तो? हाँ अरे ऐसे डरेगा तो जिंदगी भर मेरे साथ ही घूमता रहेगा। चल बोल। नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ। अरे बोल वरना मैं बोलता हूँ। अरे चुप, एक मिनट, मैं बोलता हूँ बाप। शालू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शालू वो मैं क्या, मैं एक्चुअली मैं तुमसे कहना। उफ़ो समीर बोलो ना। वो मेरा स्पेशल शो है, मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर आओ। आओगी ना? हाँ कथा है कथा। ओके मैं जरूर आऊंगी। बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं माफी चाहती हूँ कितने कम समय में आप लोगों को यहाँ इस मीटिंग के लिए बुलाया है, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई है। खन्ना इंडस्ट्रीज ने इस साल किसानों को सेबों के इतने कम दाम दिए हैं कि किसानों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। मैंने खन्ना साहब को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद कोशिश है। पिछले 15 दिनों से यही तो कर रही हैं आप, कोशिश है। मैं पूछता हूँ कब खत्म होगी आपकी ये कोशिश? जब सारे सेब सड़ जाएंगे तब? जब लोग भूखे मर जाएंगे तब? अरे इनसे क्या पूछना, ये किसी काम की नहीं। हम अपने गांव के किसानों को क्या जवाब देंगे? हाँ बोलिए, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ये अमीर लोग हैं, इन्हें गरीबों के दर्द की क्या समझ? इनसे बात करना बेकार है, कोई फायदा नहीं। लेकिन आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं खन्ना साहब को बहुत क्या बात है प्रिंसिपल अंकल, यहाँ इतना हल्ला क्यों हो रहा है? क्या बताऊं बेटी, ये मित्तल और उसके आदमी है ना, ये मौके का गलत फायदा उठाकर सरिता जी को मेयर की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। मैं दावा करता हूँ अगर आप लोग मुझे मेयर चुनते हैं तो मैं आपकी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। अभी बनाती हूँ तुझको मेयर। मित्तल के बच्चे अरे क्या कर रही हो दीदी, इतने मिर्ची खाकर किसी का भी मुंह जल जाएगा। बस अब तो कान से धुआं भी निकल आएगा। सरिता जी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लोगों के लिए हर तरह से आवाज उठाऊंगा, उनको उनका हक दिला के रहूंगा, क्योंकि मैंने आपकी तरह चूड़ियां नहीं पहन रखी है। क्या बात है मित्तल अंकल, इतने कड़क डायलॉग के बाद एक ब्रेक तो होना ही चाहिए। तो हाजिर है मेरे हाथों की बनी हुई स्पेशल दही पूरी, लीजिए ना। नहीं अरे मित्तल अंकल बैठिए ना। ओहो लीजिए, उर्वशी सबको दो। आप लीजिए ना। थैंक यू, अगर मैं मेयर होता ना। सॉरी प्रॉब्लम, टेस्टी है ना। क्या हुआ बेटी, दही पूरी बहुत अच्छी है। थैंक यू अंकल, एक से आपको क्या होगा, एक लीजिए ना। आप लीजिए लीजिए लीजिए, आप भी खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाई है। अभी तो शुरुआत है मेयर अंकल, लीजिए ना। मिर्ची। क्या हुआ? और लीजिए ना, क्या हुआ? क्या हुआ मित्तल अंकल, एक और लीजिए ना। चल ये देखिए क्या घटिया हरकत की है आपकी बेटी ने, देखिए सब लोग। ये सब क्या है? जाल बनने की जरूरत नहीं है महाराज, ये सब आपका ही किया धरा है। ए मित्तल के बच्चे, शबन सवाल की बात कर। तुम चुप रहो। मामा आपने जानते हैं बहुत घटिया आदमी है ये, आपके खिलाफ लोगों को भड़का के खुद मेयर बनना चाहता है। वाह सरिता जी वाह, क्या जलील किया है अपनी बेटी के हाथों। चलिए
यहाँ कोई मीटिंग वीटिंग नहीं होगी। नहीं होगी। जल्दी है सब लोग। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। सरिता जी, आपको इसका बदला चुकाना पड़ेगा और वो भी सूद समेत। चलो चलो जाओ जाओ। सुनिए मित्र से बात देखिए। सब मेरी बात तो सुनिए। तू कभी भी नहीं बन सकता, चाहे सुनिए हो जाए। शालू, ये क्या बदतमीजी है? मामा, इस मित्तल को ठीक करने का यही तरीका था। ये तुम्हारा तरीका होगा। ऐसी बेहुदा हरकत करके तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी बेइज्जती करने में। लेकिन मामा, मैंने तो आपकी। शालू, यू आर गुड फॉर नथिंग, ओके? अपना तो कुछ काम करती नहीं हो, मेरे काम में दखल देती रहती हो। ऐसे तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जाओ। मामा, शालू, बहुत नाराज हो मुझसे भी? शालू, रोते नहीं, बैठो। ठीक है, मामा ने मुझे डांटा, लेकिन वो मुझे बाकी सब बातें क्यों सुनाती है? मैं क्या उनकी दुश्मन हूँ? नहीं शालू, ऐसा कुछ नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। मैं गलत सोच रही हूँ? मैं अभी बताती हूँ। ये देखो, मामा ने तुम्हें कितने प्यार से पकड़ा है और मुझे हाथ तक नहीं लगाया। ये देखो देखो, इसमें भी यही हो रहा है। ये देखो, ये और ये मेरे साथ बचपन से होते आ रहा है। डोंट बी स्टूपिड शालू, तुम्हारे दिमाग में ये सब बेकार के शक हैं और कुछ नहीं। दी, जिस पे गुजरती है ना, वो ही जानता है। तुम्हें तो हमेशा मामा का प्यार मिला है, लेकिन मुझे तो लगता है जैसे किसी मेले से उठा लाई गए। व्हाट नॉनसेंस, मामा को तुम भी उतनी ही प्यारी हो जितनी मैं, और मैं मामा के खिलाफ ऐसी बातें नहीं सुन सकती। देन डोंट टॉक टू मी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बातें सुनाऊंगी। या आई वोंट टॉक टू यू। देन गेट आउट ऑफ माय रूम। दिस इज नॉट जस्ट योर रूम। ऑफ कोर्स इट इज। नो इट इजंट। ऑफ कोर्स इट इज। मुझसे कुछ मत मांगना, पैसे भी नहीं। नहीं मांगूंगी। मामा की चमची। मामा का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मामा की चमची। स्टॉप इट शालू, मुझसे कुछ मत मांगना। मामा की चमची। अरे रंगीला, वो अब तक नहीं आई यार। हाँ, वो नहीं आने वाली है अब घुइया छील बैठ के। हाँ, जिस घर में इंसान की इज्जत ना हो वहां रहना ही नहीं चाहिए। मैं जा रही हूं। क्या जमाना आ गया है, घर छोड़ने के लिए भी पैसे नहीं है। हे भगवान, इस शालू पे कुछ तो रहम कर। हे भगवान, इस शालू पे कुछ तो रहम कर। मुझे भीख नहीं चाहिए। तो कहां जाने की तैयारी हो रही है? समीर का शो है और उसने मुझे बुलाया है। मामा से पूछ लिया। मेरी प्यारी डार्लिंग कुची कूदी, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है। मामा और... को तुम संभाल लेना। सोचूंगी। प्लीज, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय, हैव फन। आई एम सॉरी, इट्स ओके। La 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 chahe zubaan se kuch na kaho ae mere sanam, चाहे जुबान से कुछ ना कहो
मेरे सनम, आंखें तो कह रही है तुम्हें मुझसे प्यार है, आंखें तो कह रही है तुम्हें मुझसे प्यार है, चाहे जुबान से कुछ ना कहो मेरे सनम, आंखें तो कह रही है तुम्हें मुझसे प्यार है, आंखें तो कह रही है तुम्हें मुझसे प्यार है। माथे पे क्यों पसीना है ये तो बताइए, ऐसे ना मुझको देख के पलकें झुकाइए, हम जानते हैं आपका दिल बेकरार है, आंखें तो कह रही है तुम्हें मुझसे प्यार है। Congratulations, Mr. Sameer. Thank ये लोग जापान से आए हैं, कह रहे हैं आप बहुत बढ़िया कलाकार हैं Hello. और आपको जापान ले जाना चाहते हैं। हेलो क्या? You must come. Wow. नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। What's happening? Go this time. तबोवी के मास्ता वे मासा। समीर, जरा मेरे बारे में सोचो। तुम जापान जाके इतना नाम कमाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना, और फिर तुम नहीं चाहते कि मैं सारी दुनिया के सामने बोलूं ये मेरा समीर है। ये बात है तो हम जा रहे हैं जापान। Yes, he's coming to Japan. He's coming to Japan. Thank you very much. Thank you very much. Hello, I'm Shalu. Wow, क्या बात है? तुम मेरे मारे हुए कपड़ों में कितनी अच्छी लगती हो। कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? है तो, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ ये शाही सवारी कहाँ जा रही है? काम पे। क्या? कम अगेन? क्यों? सिर्फ मामा और तुम ही काम कर सकते हैं क्या? हाँ? Are you serious, शालू? हाँ दी। Oh, शालू, I'm so happy for you, I'm so happy. मैं मामा को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? खन्ना इंडस्ट्रीज। वाओ, खन्ना इंडस्ट्रीज, लेकिन वो तो इतने नुकसान में जा रही है, वहां पे तो लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ऑब्वियसली दी, क्योंकि अब तक मैं वानी थी ना, अब मेरे जाते ही तुम देखना खन्ना इंडस्ट्रीज की छलनी लगेगी।
प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन तुम्हें वहाँ नौकरी मिलेगी कैसे? ओफो दी, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शालू को नौकरी ना मिले। शालू? हाँ मामा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मामा। हेलो, कोई मिलने आया? कौन है? शालू। शालू? छोटे शालू है, कहते अपॉइंटमेंट है। आज तो उस नए फूड इंस्पेक्टर ने आना था। नवा फूड इंस्पेक्टर मर गए, इधर ये बवाल और ये इंस्पेक्टर। बोलो बोलो बोलो। हेलो, चल भेज दे शालू को अंदर। छोटे वो स्टेटमेंट देखो, स्टॉक स्टेटमेंट। आपका कंगी तो करो। कंगी क्या? विग विग। गुड मॉर्निंग। वाओ, क्या बाल है। सीधा सीधा सीधा। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? कितने अच्छे तो लग रहे थे। घूम गया। वो स्टाइल जरा हद के था, बिल्कुल नया। अच्छा, बिलीव मी। यस, मेरे बाल आपके भी हैं अच्छे। हाँ। लेकिन इनकी तरह घूमते नहीं है ना? नहीं नहीं, घूम सकते हैं। ये देखो, ये माइंड ब्लोइंग। आपको हमारे बाल इतने अच्छे लगते हैं? हाँ, बिल्कुल असली है जी। मैंने कब कहा कि नकली है? आप बैठी ना, कैसे वगैरह है आपकी? पूछ कह रहा छोटिया, मंगा दे कुछ गर्म ठंडा गुनगुना। आप रुको ना, सुरीटी चाय पकड़ भिजवा दे। हाँ, मंगा दे। हाँ मैडम जी, आपसे बातें करके कुछ अच्छा लग गया। मुझे भी। हम और आप खूब मिलकर काम करेंगे जी। जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। बस आप मुझे ये बताइए कि मेरा काम क्या होगा। आपसे पहले जो फूड इंस्पेक्टर थे ना, भदूड़ी साहब, वो हमारे यहाँ महीने में सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन करने आते थे, वो भी नाक कान आग मुंह बंद करके। अरे आप घबराइए मत, मैं उनसे भी अच्छी रिपोर्ट लिख के दूंगी। आंख कान नाक मुंह सब बंद करके। बड़ी मेहरबानी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस अब मुझे ये बताइए कि आप मुझे पैसे कितने देंगे। बढ़िया, अब तो बड़ा खुल की बातें करती है। देखो भाई जी साहब, जनानियां कितनी फास्ट हो गई है आजकल। उनका 10,000 रुपया बजाया था जी। 10,000 महीने का। हम एडवांस में देखे जी, रोकड़ा वो ये लो। ये 10,000 रुपए गिन लो जी। ओह थैंक यू। वैसे गिनने की जरूरत नहीं है, पर मैं गिन लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. क्या फूड इंस्पेक्टर नहीं आ सकता? अरे वो तो यहाँ कब की बैठी हुई उल्लू की बड्डे मरते। एक मिनट, आप मर तो नहीं हो जी? कुछ गलतफहमी है, मैं फोन करता हूँ पता करके। आप हो कौन? 52 शालू। मैं रूपचंद, ग्लैड टू मीट यू। मी टू। मेरा छोटा भाई खूबचंद। आप फूड इंस्पेक्टर नहीं हो? मैंने कब कहा भाजी साहब? पता ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट, मेरा ठीक है। ठीक है ठीक है। ओ धोखेबाज बेईमान, तू यहाँ अंदर क्या करने आई है? जल्दी बताओ। नौकरी के लिए। ए, नौकरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की, और वो भी अंदर नौकरी मांगने के लिए? एक तो मैं आपकी फैक्ट्री को नुकसान से बाहर निकालने आई हूँ, और ऊपर से पहले बाहर निकल। चल। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको बहुत पछतावा होगा, मैं आपको बता रही हूँ। सुनिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मारो आगे, मारो सालों को, मारो मारो इनको। मारना बंद करो, मारना बंद करो, रुको। हम आपके साथ हैं, हम आपकी भलाई चाहते हैं। छोटे तू बोल, विश्वास करो और अपने घर जाओ, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। ठीक है ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन कल तक हमारी मांगों का फैसला नहीं हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो चलो यहाँ से। देखा कितना कट रहा था, सारी अकड़ निकल जाएगी। समझता क्या अपने आप को भाई जी?
परेशान करके रख दिया है। भाई साहब कल होगा क्या? अरे होना क्या है छुट्टिया, देख इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो सारे से उतरने दे या फिर अद्धे दाम में बेच के कुछ पैसे कमाए। भाई साहब ये मित्र ने दिमाग कमाल का लगाया है। वो तो है, देख छोटिया बस कुछ ही दिनों करेगा साय, जिस दिन ये खन्ना इंडस्ट्रीज बिक गई ना उस दिन मित्तल इसे खरीद कर हम लोगों को वादे के मुताबिक 50% का पार्टनर तो बना ही लेगा। कमाल का दिन होगा भाजी साहब वो है। अरे अरे यहाँ क्या कर रही है? चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। चुप के? अगर इसने सुन लिया तो किसी को बता दिया तो? रुको ना मैं पूछता हूँ। कुछ पूछ। ए लड़की ऐसा क्यों, क्या कर रही है यहाँ पे? मैं तो क्या है, कुछ सुन लिया तो नहीं? सुन लिया। क्या हम डरने वाले नहीं है? क्या सुना? सब कुछ। क्या सब कुछ सुन लिया? हाँ सब कुछ। ओ देख किसी को बताना नहीं? खन्ना अंकल को भी नहीं। तुम खन्ना अंकल को जानती हो? हाँ वो तो बचपन से ही मुझे अपनी गोद में खिलाते थे। गोद में? हाँ हर रोज तो मुझे फोन करते हैं, जानते हो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया? और तभी मंगा दे। चल बैठ बेबी बैठ। देखिए मैं नहीं चाहती कि मुझे सिफारिश से कोई नौकरी मिले। सिफारिश की क्या बात है भाई, तू तो हमारे वाले की गोद में खेलिए भाई। हाँ खन्ना साहब तो हमारे बॉस है। भाई साहब वो असिस्टेंट मैनेजर वाली जो पोस्ट है ना। हाँ दे 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 दे। 5,000 रूपए तनख्वाह। 5,000? सिर्फ 5,000? 7,000 रूपए। अब तो ठीक 7,000 ठीक है। लेकिन वो क्या है ना, बात लीक होने की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा ठीक है 10,000 फाइनल है। अब तो गारंटी है ना। 100% गारंटी। अब तो हमारी शिकायत वो खन्ना साहब से नहीं करोगी ना? कौन सी शिकायत? कौन से खन्ना अंकल? मिस्टर खन्ना? डैड देव माय सन हाउ वाज योर डे? बहुत खराब डैड, वेरी बैड। मैंने इतनी मिसमैनेजमेंट अपने जिंदगी में नहीं देखी। इट्स सो डिसऑर्गेनाइज्ड। हाय मेरी ऐसी कौन सी फैक्ट्री है भाई? कौन सी? सारी फैक्ट्रीज डैड, ऑल ऑफ देम। तुम जरूर किसी दूसरे की फैक्ट्री में घूम कर आ रहे हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है सिर्फ मेरे मैनेजर्स ही नहीं बल्कि मेरे क्लर्क्स भी पढ़े लिखे हैं। दे आर ऑल क्वालिफाइड। क्वालिफाइड? यस डैड, आपके किसी भी मैनेजर को चैंग्स थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ पता तक नहीं, और ना ही डैंग्स थ्योरी ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी के बारे में। और ना ही फैंग्स थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब ये सब क्या चीजें हैं? दैट्स द प्रॉब्लम डैड, आपको भी इन थ्योरीज के बारे में पता नहीं। सैड, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। ओ यस डैड, मैंने इन दोनों सीईओ के साथ मिलकर यह फैसला कर लिया है कि आपके वो पालमपुर के खन्ना इंडस्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पिछले 5 सालों से हैवी लॉसेस में जा रही है डैड। राइट बेटे, जिंदगी में हमेशा अपना फायदा नहीं देखना चाहिए, कभी कभी कुछ काम दूसरों की भलाई के लिए भी करने चाहिए। ओ डैड, डैड, आप इतने इमोशनल क्यों जाते हैं डैड? चैंग्स गोल्डन रूल, देयर आर नो सेंटीमेंट्स इन बिजनेस। बेटे हमारी फैक्ट्री की वजह से उस शहर की रोजी रोटी चलती है। ओके डैड, एक काम करते हैं, मैं वहां खुद जाता हूं और देखता हूं कि हमारी फैक्ट्री लॉसेस में क्यों जा रहे हैं। अगर कोई इलाज निकलता है तो ओके, वरना Factory's closed. What? Okay? Come on, Dad, I'm being fair enough. Okay. Kab jana chahte ho tum? Okay, main aaj hi chala jata. I'm so happy. Dev, kya tum aise jaoge wahan? Meaning? I mean, agar tum wahan Dev ban ke jaoge to wahan ki problems ki asliyat tumhare samne kabhi nahi aayegi. Chang's theory of business disguise. Dad, मैं वहां आपका बेटा देव नहीं बल्कि आपके ड्राइवर का बेटा आनंद बन के जाऊंगा। आप मुझे क्लर्क की नौकरी के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। अरे क्या बेटा, मैं तुम्हें 10 लेटर भिजवा दूंगा, बस तुम जल्दी से वहां जाओ और कल से ही नौकरी ज्वाइन करो। ग्रेट डैड, मूर्ति। ओके
Let's go. चलो. मिशन पालमपुर. या. अरे रुको रुको. खन्ना इंडस्ट्रीज कहाँ है? ए ए खन्ना इंडस्ट्रीज कहाँ है? ओह शिट 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 शिट. ये मैं कहाँ आ गया? ए मी या यू कम हियर. ये वेयर द हेल इज दिस? आई मीन ये खन्ना इंडस्ट्रीज कहाँ है? खन्ना इंडस्ट्रीज. खन्ना 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 खन्ना. हाँ खन्ना खन्ना. मथी दादी मथी मटे उंदू दादी वो खींचो मथी माँ. व्हाट? ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मथी दादी मथी मथी मटे उंदू दादी वो खंबटे मथी चा. तुम्हें हिंदी नहीं आती? बोलू क्या छे यार. उफो हिंदी गुजराती फ्रेंच इटालियन कुछ तो आती है. बनू के छे यार मेरे समझ में आ रही था. दूर करो इनको. दूर 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 रखो. क्या बात है भाई साहब? बहुत गुस्से में आप. अरे भाई साहब ये खन्ना इंडस्ट्रीज कहाँ है? खन्ना इंडस्ट्रीज तो आपको खन्ना इंडस्ट्रीज जाना है. नहीं मुझे दिल्ली जाना है. खन्ना इंडस्ट्रीज का पता आपसे बात करने के लिए पूछ रहा हूँ. ओहो दिल्ली की बस आपको रात को 8 बजे यही मिलेगी. Hey. Yes. क्या आप जानती हैं कि ये खन्ना इंडस्ट्रीज कहाँ है? Oh, very bad. उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. किसको? बस कंडक्टरों को. क्यों? आपको पता है उनका आजकल गवर्नमेंट के साथ पंगा चल रहा है. यही तनख्वाह बढ़ाने के चक्कर में लेकिन अपना गुस्सा पैसेंजर्स पे उतारे. अरे ये क्या बात हुई? लड़ना ही है तो जाके सरकार से लड़े, है ना? हाँ हाँ लेकिन हुआ क्या है? अब क्या होना है? कल ही बेचारा एक पैसेंजर यहाँ उतरा और बोला मुझे कुतुब मीनार देखना है. लेकिन वो तो दिल्ली में. वो तो मुझे भी पता है लेकिन उसको ये बोल के उतारा ना कि ये दिल्ली है. दिल्ली? अब बताइए दिल्ली यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है. 300 किलोमीटर? हाँ. ओ, मर गए. नहीं 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 आपको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा. आपको खन्ना इंडस्ट्री जाना है ना? 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर? हाँ वो पहाड़ी देख रहे हैं आप? हाँ हाँ वो वाली. हाँ वो ऊंची वाली उसके पीछे. नहीं नहीं आप उससे नीचे उतरिए. आपको एक छोटा सा तालाब मिलेगा. तला. फिर लग गई दो पार हमरे पिया को ओए रे खवैया. ये क्या है? नाव वाले का गाना. नाव वाले का गाना? हाँ. ओ अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए. यहाँ आप किसी और से पता मत पूछना क्योंकि यहाँ के लोग सबका बेवकूफ बनाने में उस्ताद है. नहीं 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 पूछूंगा. मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ. ऑफ कोर्स. खन्ना इंडस्ट्रीज. शालू बेचारे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. ती, वो कोई बेचारा बेचारा नहीं है. उस बदतमीज अकड़ू के साथ ऐसे ही होना चाहिए. हम लोग ये हंस रहे वो पहाड़ चढ़ रहा होगा. हाँ लेकिन उस अकड़ू को ये नहीं पता कि पहाड़ चढ़ने का रास्ता तो है. अरे बाप रे बच गए बच गए. लेकिन नीचे उतरने का नहीं. ओह माय गॉड. लगाई दो पार हमरे पिया को ओए रे खवैया. लगाई दो पार हमरे पिया को खवैया. मैं लो भाई जी आ गई आपकी खन्ना इंडस्ट्री. ये लो भाई साहब आपके 50 रुपए. हाँ ठीक है जाओ. ये क्या है? ये तो वही जगह है जहां से मैं परसों निकला. अरे लेकिन यही तो है ना आपकी खन्ना इंडस्ट्री.
इसका मतलब उस लड़की ने मुझे वो मिली, मैं उसका मैं उसके बाल नोच दूंगा, उसका गला काट दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसका, नहीं छोड़ूंगा। अरे यार जवाब दे। अरे ये कैसा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को इंटरव्यू लेना है तो कुछ काम की चीजें पूछिए ना। वो देख इंटरव्यू हम ले रहे हैं, जैसे हमारा मन चाहेगा वैसा पूछेंगे क्वेश्चन। चल बता हमारे बाल कैसे लग रहे हैं। बाल कैसे? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल घटिया और नकली। साफ नजर आता है कि दोनों ने विग पहन रखी है, और आपके कपड़े किसी सर्कस के जोकर के लगते हैं, और आपकी बातें बिल्कुल अनपढ़ जाहिलों की तरह। ओ जाहिल किसको बोल रहा है, मैं भी पास हूँ, तभी से मत कर। मैं मैट्रिक फेल हूँ तो क्या? हाँ तो क्या भाई साहब, ये इंटरव्यू फेल है, नौकरी नहीं मिलेगी, चल बाहर निकल। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, अगर कंपनी के बैलेंसेस बराबर नहीं है तो किस अकाउंट में देखना चाहिए? खत्ता भाई की बात करें, थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी किसकी है? आपकी भाई साहब। मारी नहीं है रे। हमारी नहीं है। ओए तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम तेरा इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? अगर आप दोनों को इन बेसिक थ्योरीज के बारे में कुछ पता नहीं तो आपको इंटरव्यू लेने का कोई हक नहीं। वैसे नौकरी आपको किसने दी है? मैं आज ही डायरेक्ट से मिस्टर खन्ना से बात करके आप दोनों को नौकरी से बाहर निकालता हूँ। अब ये धमकियों के मत देना भैया हमें। धमकी नहीं दे रहा भाई साहब, ये तो इंटरव्यू फेल हो रहा है ना, इसलिए चिढ़ गया है। खन्ना साहब की सिफारिश लेके आया, कंसीडरेशन तो करना पड़ेगा ना। खन्ना साहब को तो मान रखना ही पड़ता है ना। छोटे दे दे नौकरी, देनी पड़ेगी। चल भाई तेरी नौकरी पक्के, खुश हो जा। भाई जी साहब आपका बहुत बड़ा दिन है भाई। रहने दे, चल पहुंचू, चल रहने दे भाई, बेटर है। सर माल की डिलीवरी करनी है और कोई ड्राइवर ही नहीं। अरे है। हो जाएगी डिलीवरी, छुट्टी आनंद है, ये खत्ता भाई देखेगा, ड्राइवरी भी करेगा। क्लर्क है लेकिन ड्राइवर की नौकरी करेगा। डोंट वरी रूपचंद जी, मैं उसको सब समझा दूंगी। क्या नाम बताया आपने उसका? और ये शालू जी हैं। कौन, देवानंद? नहीं नहीं जी, सिर्फ आनंद। ओके यस यस, मैं उसको समझा दूंगी कि यू डोंट वरी सर। एक मिनट, ये सब मैं उसको समझा दूंगी कि मैं उसकी बॉस हूँ। देखो मिस्टर की बच्ची तेरी तो ये क्या, तू तड़ाल से बात कर रहे हो तुम? मैडम कहो मुझे मैडम, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। बॉस की बच्ची खन्ना इंडस्ट्री 4 किलोमीटर दूर है, पहाड़ के नीचे तालाब में नाव वाला। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो तेरी खराब होने वाली है। देखो देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो कोई और लड़की होगी, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखोगी भी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हारी शिकायत उन दोनों बच्चों से कर दूंगी। अरे वो दो टकले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दरवाजा खोल साली, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। पहले दरवाजा तो तोड़ के दिखा डफन। अच्छा? दो पार हमरे पिया को ओरे खवैया। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे वो देव तुम क्या कर रहे हो ये? ओ गॉड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो मेरी छोड़ो, तुम्हें क्या हो गया? अरे तू सारा प्लान चौपट कर देगा। एक मिनट, अरे दो दिन से तुम कहाँ थे? हेलो, जानते हो खन्ना अंकल को तुम्हारी कितनी फिक्र होने लगी थी, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया। अरे तुझे क्या बताऊँ यार, एक लड़की ने मुझे ऐसा बेवकूफ बनाया कि सारा दिन और सारी रात मैं जंगल में भटकता रहा। सारी रात एक लड़की के साथ? हाउ रोमांटिक। उस लड़की के साथ नेवर। दी है तो साला ड्राइवर, लेकिन तेवर ऐसे जैसे कि मालिक हो। अब पता चलेगा जब वो तुम्हारी पिटाई करेगा। मेरी पिटाई? अच्छा मैं रखती हूँ। हाँ क्यों? 4-5 बस भर के टूरिस्ट आ गए, उनको अटेंड करना है ना। मैं जाऊँ तुम्हारी मदद करने? मैं बिल्कुल फ्री हूँ। वो तुम्हें छोड़ेंगे? छोड़ेंगे कैसे, नहीं आज तक कोई मुझे रोक सका है। अच्छा तो फिर आ जाओ, मैं रखती हूँ फिर। ओके बाय। ओके बाय। एक्सक्यूज मी सर, यू शुड लेट। वाओ सर, आप दोनों के बाल क्या चमक रहे हैं। अच्छा आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? शैम्पू तो हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जी। अबे मतलब कि हम लोगों के बालों को शैम्पू की जरूरत ही नहीं होती। वही 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 वही। ये तो कमाल हो गया है सर, काश मेरे बाल भी ऐसे चमकते। हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अच्छा सर मुझे जरा छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी? हाँ ठीक है ठीक है। और सर ड्राइवर भी प्लीज। हाँ ले, वो नया वाला ड्राइवर है ना, उसको ले जाओ, उसका टेस्ट भी हो जाएगा। हाँ, हाँ, ले जाओ। कौन सर? वो देवानंद? वो तो बड़ा अगर वो टेस्टिस है ना तो हम भी उसे कुछ कम नहीं। बेबी तुझे तंग करे ना तो बता देना, हम उसकी ठुस ठुस कर देंगे। आखिर तू हमारी मालिक की गोद में के लिए बचपन से सर। ओके सर थैंक यू बाय। अजी साहब ये जनानी कुछ ज्यादा ही तेज है तो
मैंने मौका देख के फैक्ट्री की पोजीशन के बारे में सब पता किया। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही खराब है। अरे लोग हमारा माल वापस कर रहे हैं। द फैक्ट्री इज इन अ पैथेटिक स्टेट। वेरी वेरी सैड। मुझे पता नहीं ये फैक्ट्री कैसे चलेगी। याद है चैंग का फंडामेंटल रूल? जब बिजनेस चलाना समझ के बाहर हो जाए तो बिजनेस बंद कर देना। करेक्ट। नारायण, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट तैयार करो। हम ये फैक्ट्री बंद कर देंगे। परफेक्ट। ए ड्राइवर। ओके। कौन? अरे वही गोलमाल यार। अरे यार ये तो गोल नहीं माल है। ऑफ। hey, शट अप। ए ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो, मैडम को जाना है। ये ये सब क्या है? बिहेव योरसेल्फ। ओके, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। उन दोनों गंजू से शिकायत करूंगी ना तो एक सेकंड में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सॉरी मैडम, आप जाइए, मैं आता हूँ। ब्लडी ड्राइवर यू। मुझे लगता है ये भी उन दोनों टकलू के साथ मिली हुई है। मतलब इसने भी विग पहनी हुई है? विग या नो विग, बस एक बार इसे ठीक करने का मौका मिल जाए। मैडम, दो दिन आपने मुझे बहुत घुमाया ना मैडम, अब मैं घुमाता हूँ आपको पालमपुर। ओके ओके, क्या हुआ? पागल हो गए क्या? ऐसे कोई गाड़ी चलाता है? क्यों मैडम, आपको मेरी ड्राइविंग पसंद नहीं? मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगी, स्टूपिड ड्राइवर। देखिए मैडम, ये कोरी धमकियां मुझे बार बार मत दीजिए। मैं खन्ना साहब के ड्राइवर का बेटा हूँ। तो क्या हुआ? मैं भी खन्ना अंकल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी ना तो तुम और तुम्हारे बाप दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। ओए, ये खन्ना साहब तुम्हारे अंकल कब से बन गए? बचपन से मैं उनकी गोद में खेला करती थी, बहुत प्यार करते हैं वो मुझे। ये तो फेंकने में भी उस्ताद है। क्या क्या बोला तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, चले। लड़ी ड्राइवर, धीरे चलो इडियट। अच्छा तो पैक करवाऊं? हाँ पैक कर दो। ओके। ए ड्राइवर, तुम यहाँ के घूमने आए हो, टूरिस्ट हो, चलो जाओ इसको पैक करो, पैकिंग सेक्शन उधर है। जी मैडम। संभाल के। थैंक यू। ओके। वो कुर्सी भी पैक करना। कुर्सी? हाँ। यस मैडम। सॉरी, आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं लगी? जवाब दीजिए ना। सॉरी, आई एम फाइन। ओह माय गॉड, थैंक्स। मैंने सोचा मेरी आंखें तो हॉस्पिटल जाके ही खुलेंगी, आपने बचा लिया। अरे नहीं नहीं, वो गलती मेरी थी, वो कुर्सी पैक करने जा रहा था, देखा नहीं कि आप ऊपर से हाथी उतार रही थी तो। ओ, तो तुम यहाँ खड़े हो के गप्पे लड़ा रहे हो? तुम्हें कहा था ना सामान पैक करने को, कस्टमर वेट कर रहा है। इसने मुझे गिरने से बचाया। हाय, आई एम निमी, शालू की बहन। आई एम देव। देव? मेरा मतलब आनंद। दी, ये वही ड्राइवर देवानंद है जिसकी मैं फोन पे बात कर रही थी। देखिए मैडम, मैं ड्राइवर नहीं, एक ग्रेजुएट क्लर्क हूँ। लेकिन बातें तो ऐसे करते हो जैसे कि मालिक हो। अच्छा अच्छा, ये वही है मालिक के तेवर वाला। इसने तेरी पिटाई की है? नहीं दी, ये क्या मेरी पिटाई करेगा? मैं ए, तुम ये खड़े होके हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? जाओ अपना काम करो। यस मैडम। ओके। हेलो नारायण। हाँ सुन रहा हूँ। तेरा इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं देव, एवरीथिंग इज इन अ बैड शेप, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। अरे यार जो भी करना है जल्दी कर, इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया। नहीं नहीं होल्ड ऑन, मैं भी फटाफट करवाता हूँ। चल चल, क्या दिखा रहे थे आप? अभी दिखाइए क्या, क्या दिखाइए? इसे कहते हैं बैड, वेरी बैड। ये देखिए सर, वेरी 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 बैड। सीओ बाबू क्यों आया इधर? अरे देव ने बुलवाया, कमीना सारी फाइलें चट कर गया, कहता है फैक्ट्री की इतनी बुरी हालत है कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है। यही तो हम चाहते हैं रूपचंद। क्यों? हाँ, फैक्ट्री बंद नहीं होगी तो हम उसे खरीदेंगे कैसे?
बात तो ठीक है, लेकिन मित्तल साहब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो किसान तो बलवा मचा देंगे, उनके सेव के फसल सब सड़ जाएंगी ना। सड़ जाने दो बेचारे किसानों की फसल, अब तो हमारी फसल काटने का वक्त आ गया है। आज टाउन हॉल में दिखाता हूँ, भूख के पेट पर जब लात पड़ती है ना तो दर्द क्या रंग दिखाता है। किसान यूनियन, किसान यूनियन, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। किसान यूनियन, किसान यूनियन, किसान यूनियन। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस मसले का हल हो जाएगा। अरे कैसे हल हो अरे जाएगा सरिता जी, हमें मालूम है कोई मसले हल नहीं होने वाले हैं। देखिए याद कीजिए, पिछले साल जब ऐसा हुआ था तो मैंने खन्ना साहब से बात करके दाम 700 रुपए पर क्विंटल करवाए थे, और मैंने क्या महाराज, हम यहाँ पिछले साल क्या हुआ ये सुनने नहीं, इस साल क्या हो रहा है ये जानने के लिए आया महाराज। मेरी कमिटी मेंबर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दीजिए ताकि मैं खन्ना साहब को आप लोगों के हक में राजी कर सकूं। आप ठीक कह रहे हैं सरिता जी, मैं सरिता जी से सहमत हूं। हमें सरिता जी को 24 घंटे की मोहलत देनी ही चाहिए, देनी चाहिए, देनी चाहिए। अरे बोलो ना, देनी चाहिए, बोलो ना, देनी चाहिए, हाँ देनी चाहिए। ठीक है चलिए, इन्हें 24 घंटे दिए, इन लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं ना, हम सब कल फिर यहीं मिलेंगे महाराज, ये देखने के लिए कि कैसे आप इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरती हैं। प्रिंसिपल साहब जी, मैंने फैसला किया है कि मैं खुद दिल्ली जाकर खन्ना साहब से बात करूंगी। दिल्ली अभी इसी वक्त? हाँ प्रिंसिपल साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, और अगर मित्तल मेयर बन गया तो किसानों का क्या हाल होगा ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि शहर को मैं मुसीबत से बचा लूं, ठीक है ना। अच्छा जी। अरे, अरे सरिता जी क्या हुआ? मैडम, मैडम क्या हो गया? मैडम, 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 मैडम। मामा को क्या हुआ डॉक्टर अंकल? घबराने की कोई बात नहीं, आपकी मामा को हाइपरटेंशन हुआ है, मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बस उन्हें सख्त आराम की जरूरत है। सारी मुसीबत की जड़ वो देव है। देव नहीं, डेविल। फैक्ट्री बंद कर देगा, पता नहीं अपने आपको क्या समझता है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं भी दी, हमें मामा के लिए कुछ करना चाहिए। वही कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। सोच सोच शालू, सोच सोच दी, मुझे बहुत माइंड ब्लोइंग आइडिया आया है। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। अगर मामा दिल्ली नहीं जा सकती है तो हम दोनों जा सकते हैं। यस, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को तो मामा के पास रहना पड़ेगा। डार्लिंग मैं जाती हूँ क्योंकि मैं खन्ना को ऐसा लॉजिक दूंगी कि उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन दी, जिंदगी में हमेशा लॉजिक काम नहीं करता, और अब वक्त आ गया है कि कुछ भी तिकड़म भिड़ा के उस खन्ना को अपनी जेब में करने का, और जब तक वो खन्ना और वो देव का बच्चा मान नहीं जाते, मैं वहां से नहीं हिलूंगी। गुड, ठीक है, लेकिन तुम इतनी रात को जाओगी किसके साथ? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं भी देखती हूँ कि ये देव है क्या चीज जिसने हमारी रातों की नींदें हराम कर दी है। सेब? ए, कौन भूतनी का सेब फेंक रहा है? कौन है रे? ए, तुम? ए ड्राइवर, नीचे आओ। लेकिन मैडम मैं तो, मैंने कहा ना नीचे आओ। मैडम हम कहाँ जा रहे? उफ, इस रास्ते पे तुम सीधा चलते जाओ, एंड डोंट डिस्टर्ब मी, ओके?
लेकिन ये रास्ता तो दिल्ली जा रहा है। अच्छा, वैसे हम भी दिल्ली जा रहे हैं। क्यों? मिस्टर खन्ना या उनके बेटे देव से मिलने। क्या? देव से मिलने? पागल हो गई हो? ये तुम बिना बात पे गाड़ी क्यों रोक देते हो? तुम्हें रुक रुक के चलने की बीमारी है क्या? ऐसा करोगे तुम 6 घंटे तो क्या 6 महीने में भी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे? हाँ, तो आप दिल्ली जाके कौन सा झंडा गाड़ने वाली है? मेरी बात मानिए, वापस चलते हैं। देव साहब का फैसला नहीं बदलने वाला। रियली? ओह, तो मैं तुम्हारे देव साहब को ब्रूस ली का ऐसा घुसा मारूंगी कि उनके दिमाग से अमेरिका का सारा भूसा निकल जाएगा। आओ। क्या तुम मुझे देव साहब को घुसा मारोगी? औकात क्या है तुम्हारी? ड्राइवर हो के औकात की बात करते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे देव साहब को ऐसा किक मारूंगी ना, फिर मेरी औकात समझ आएगी। हाँ, ये बात है। देव का दुश्मन मेरा दुश्मन, और मैं दुश्मनों की गाड़ी नहीं चलाता। दिल्ली जाना है, खुद जाइए। हाँ, चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? वैसे भी गाड़ी चलाने में है क्या? गाड़ी स्टार्ट करो, एक्सीलरेटर चेंज करो, ब्रेक दबाओ। वो तो अभी पता चल जाएगा। अभी ओ ड्राइवर, कभी मुझे चैलेंज मत करना, ओके? ये गाड़ी पीछे क्यों जा रही है? अरे ड्राइवर, अरे ड्राइवर। मैडम, दिल्ली उस तरफ नहीं, इस तरफ है। मुझे पता है, जी में आता है इस बेवकूफ पे गाड़ी चढ़ा दूं। ओह माय गॉड, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? मैडम, ब्रेक, ब्रेक मैडम। कौन सा ब्रेक? अरे ब्रेक, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैडम, ब्रेक, ब्रेक। अरे स्टूपिड ड्राइवर, बोलो। मैडम, 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 ओ मैडम, आप ठीक तो है? ड्राइवर के बच्चे, तू तू पहले गाड़ी सीख कर, मैं बाद में तेरी खबर लेती हूँ। अरे ओ ड्राइवर, और कितनी देर है? बस 10 मिनट मैडम। जल्दी करो। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। खूबसूरत लग रही है। जो दिल पे क्या नशा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। हो छाया है जो दिल पे क्या नशा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। बेकरारी में भी कितना मजा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। अपनी पलकों में मुझको छुपाया है, एक चेहरे ने मेरा चैन चुराया है।
दिल में जो छुपी है एक दिलरुबा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है, बेकरारी में भी कितना मजा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। खबर हुई ना मुझको तेरी कसम, कब और कहां ये चाहत हुई सनम, दर्द है चुभन है हया है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है, छाया है जो दिल पे क्या नशा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। बेकरारी में भी कितना मजा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा। स्टुपिड ड्राइवर। अरे ओ ड्राइवर जल्दी कर। आया मैडम आया। ये लड़की बहुत खतरनाक है। There are no sentiments in business. Dave, Chang is always right. हेलो, हाँ मूर्ति, कौन क्या देव बोल रहा हूँ उल्लू के पट्टे? सुन, एक लड़की मेरे साथ आ रही है पापा को मिलने, और किसी भी कीमत पे वो पापा से ना मिल पाए, क्योंकि मैं जानता हूँ पापा उसकी बातों में आके पिघल जाएंगे। अच्छा रखो। हाँ आया मैडम, आया। देव, सब मामला फिट। इस लड़की को कुछ करो यार। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम मूर्ति, कैन आई हेल्प यू? आई एम शालू, मैं मिस्टर खन्ना या उनके बेटे देव से मिलने आई हूँ, एंड इट्स वेरी अर्जेंट। देखिए मैडम, खन्ना साहब इस वक्त सो रहे हैं और देव इस वक्त घर पे नहीं, ही इज गॉन आउट फॉर द पार्टी। ओह नो, आप उन्हें प्लीज जगा दीजिए, प्लीज। प्लीज जगा दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, मैं तो उन्हें डिस्टर्ब तक नहीं कर सकता, आप चले जाइए। चले जाइए, क्या मतलब है तुम्हारा? मैडम, मैं 300 किलोमीटर की दूरी से ये सुनने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं चली जाऊँ। शांति शांति, शोर मत मचाइए मैडम, शोर मत मचाइए, वो जाग जाएंगे। यही तो मैं चाहती हूँ, मैं जो चाहे करूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, मिस्टर खन्ना बचाओ। ये कौन गुस्सा है मेरे घर में? चंदा मांगने वाली है सर। चलो चलो बाहर निकालो इसे। चलिए चलिए ड्राइवर, इस लड़की को छोड़ के आओ। रुके, चलो चलो, पकड़ लिया। सॉरी 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 मिस्टर खन्ना, प्लीज प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, पालमपुर के लोग सिर्फ इसी इंतजार में है कि कब देव खन्ना या आप उनके लिए कुछ करेंगे। सर आपने तो हमेशा उनकी मदद की है, क्या आप ऐसे मोड़ पे लाके उनका साथ छोड़ देंगे? देखो बेटा, डैड इसकी बातों में बताइए। अंकल ठीक ही तो कह रही है बेचारी। There are no sentiments in business, Dad. I'm sorry बेटा, लेकिन अब जो भी करेगा देव ही करेगा। सर मैडम मैडम, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आपको पहले बताया जा चुका है कि ये फैसला देव साहब का है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हारे देव साहब का इंतजार करूंगी और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक उसी रेट का फैसला नहीं बदल दूं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैडम,
कि देव साहब रात भर ना आए। राइट, तो मैं उसका कयामत तक इंतजार करूंगी। ओके ओके, प्लीज प्लीज, आप जब तक चाहे इंतजार करें, लेकिन तब तक के लिए मेरा गुड नाइट। मैं भी चला सोने मैडम, जब जाना हो तो उठा देना, तब तक के लिए ताली हो मैडम, ताली हो। बेटे, वैसे एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? ये तुम्हारा ड्राइवर है ना? कौन, वो चपड़गंजू? जैसा भी है, मैं ये सोच रहा था कि उसकी शक्ल देव से काफी मिलती है। बल्कि वो दोनों इतने मिलते जुलते हैं कि कभी कभी हम भी धोखा खा जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सोच रहा था कि मान लो अगर देव नहीं आता तो हम तो हम तो हम तो आ, आ, एक मिनट, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उस फटीचर को अपने साथ देव बना के पालमपुर ले जाऊं? हाँ हाँ, कुछ घंटों के लिए हर्जी क्या है, देव जैसे ही आएगा मैं उसे किसी तरह समझा बुझा के अपने साथ पालमपुर ले आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। रियली? हाँ। ओह यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं उस ड्राइवर का करती हूँ टैली हो। अच्छा, तो ये चपड़गंजू साहब यहाँ सो रहे हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक के बिस्तर में सोने की? ब्लडी ड्राइवर, ए उठ, ए कुमकरण उठ। मैडम, जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी नींद हराम हो गई है। ठीक है ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, हमको अभी निकलना है। और ये पहनो। लो। ओके मैडम। ये मेरी गाड़ी की चाबियां, इससे तुम जल्दी पहुंच जाओगी। थैंक यू अंकल। मैं आपको अंकल बुला सकती हूँ ना? व्हाई नॉट, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आई लाइक योर स्पिरिट, और शायद तुम ही हो जो मेरे सरफिरे बेटे को ठीक कर सकती हो। तुम्हारा ड्राइवर आता ही होगा, मैं चलता हूँ। एक मिनट। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वाओ। अरे तुम तो अच्छे खासे हैंडसम हो। अच्छा, आप खुश हैं मैडम? ऑफ कोर्स, अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम देव नहीं हो। ओ, लेकिन एक कमी है। क्या? देव साहब अपने चेहरे पे एक चीज लगाते हैं, मुझे भी वो लगानी चाहिए। ये क्या है? पकड़ो। बूट पॉलिश। देव साहब भी अपने चेहरे पे यही लगाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या? रुको, आप कैसे लग रहा हूँ ना, हैंडसम, गॉर्जियस। अरे मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे साथ देव बन के नहीं आने वाला। स्टूपिड ड्राइवर, पागल हो गए तुम, इधर आओ। अरे दरवाजा खोलो, स्टूपिड इडियट ड्राइवर, दरवाजा खोलो। देख लिया आप लोगों ने, अब आंखें खुली महाराज, खन्ना साहब आने वाले हैं, उनके बेटे देव साहब आने वाले हैं, कोई आया ठुइया। मैं पूछता हूं इस कुर्सी पर बने रहने के लिए और क्या क्या करेंगी महाराज? आप, अगर आप में जरा भी इज्जत रह गई है, जरा भी शर्म बाकी है, तो अपनी हार स्वीकार कीजिए और इस्तीफा दे दीजिए महाराज। उसके साथ कोई और भी है।
वो आ गए। वो दोनों कहाँ गए जो? यस मैडम, उस कमरे में। थैंक यू। शालू, शालू, शालू जल्दी खोलो प्लीज। हाँ दी, आ रही हूँ। प्लीज 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 आनंद, तुम मान क्यों नहीं जाते? देखो ये बहुत सीरियस मामला है, प्लीज प्लीज। देख शालू की बच्ची, मैं तुझे सिर्फ खन्ना साहब के कहने पे लाया हूँ, इस नौटंकी का हिस्सा मैं कभी नहीं बनूंगा। नौटंकी? यहाँ पूरा शहर तबाह होने जा रहा है और ये तुम्हें नौटंकी लग रही है? ये सब तुम्हारे देव के गलत फैसले का नतीजा है। देव साहब और गलत? अरे वो तो अमेरिका से पढ़ के आए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री है उनके पास। क्या फायदा ऐसी डिग्री का आनंद, जो इंसान का इंसान से नाता ही तोड़ दे। जानते हो अगर ये फैक्ट्री बंद होगी ना तो यहाँ के तमाम परिवार बिखर जाएंगे, लोग अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाएंगे और पलक झपकते ही ये पूरा शहर उजड़ जाएगा। इधर आओ आनंद, देखो देखो उस छोटे बच्चे को, क्या ये मुस्कुराहट कोई लौटा सकेगा? और वो बूढ़ा किसान, उसके चेहरे पे तो इस बात का डर है कि कहीं उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी तो उसका क्या होगा, वो कहां जाएगा, इस उम्र में नई जिंदगी कैसे बसाएगा। क्या तुम्हें इन लोगों की तकलीफें, इनका दर्द महसूस नहीं होता? इनकी आंखों में छुपे हुए आंसू नहीं दिखते? अगर मैं कभी भी तुम्हारे देव से मिली, कभी उससे मेरा आमना सामना हुआ तो एक सवाल जरूर पूछूंगी, क्या फायदा उसकी अमेरिका की पढ़ाई का, इन थ्योरीज का, इन डिग्रियों का, अगर वो इन तमाम नाउम्मीद लोगों को जीने की एक उम्मीद ना दे सके। आनंद, नीचे खड़ा हुआ हर आदमी, हर औरत, हर मजदूर, हर किसान, इस टाउन हॉल में बैठे तमाम लोग सिर्फ इसी बात के इंतजार में है कि कब देव उनके लिए उम्मीद की वो किरण लेके आएगा और उनकी जिंदगी में खुशियां भर देगा। मैं भरूंगा शालू, मैं भरूंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा देव बनने के लिए तैयार हूँ शालू। रियली आनंद? हाँ शालू, आज आज अगर तुम मुझे आसमान से तारे तोड़ने के लिए भी कहोगी ना, मैं वो भी कर दूंगा। मैंने मैंने तुम्हें कितना गलत समझा शालू, लेकिन तुम तो जो भी हो बहुत अच्छी हो। थैंक यू आनंद, थैंक यू सो मच। सरिता जी, ये सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है महाराज? कहाँ है आपका देव खन्ना? मिस्टर मित्तल, मिस्टर मित्तल, मैं यहाँ हूँ। हाय एवरीबॉडी। हाय। हाय निमी। हाय। हेलो हेलो। शालू तुम पागल हो गई हो? ये तो बेचारा आनंद है। अच्छा, मुझे तो मालूम नहीं था। शालू डोंट बी फनी, तुमने इस आनंद को देव कैसे बना दिया? टेंशन मत लो निमी, मैं देव से भी अच्छा देव बन के दिखाऊंगा। यस, मर गए। रिस्पेक्टेड सरिता जी, कमेटी मेंबर्स और मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, अमेरिका में जो बात मैं नहीं सीख सका वो ये कि बिजनेस में सेंटिमेंट्स की कदर करनी चाहिए। खैर, जो बात अमेरिका मुझे नहीं सिखा सका वो आपके शहर पालमपुर ने मुझे सिखा दिया। वेल सेड, वेल सेड। दी, ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस शहर को मुसीबतों के रास्ते से निकाल के तरक्की के रास्ते पे ले जाऊंगा। ये इन लोगों को क्या हो गया है, हर डायलॉग पे ताली बजा रहे हैं। और ये झूठे वादे नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि मैं इस साल आपको सेबों के 800 रुपए पर क्विंटल के बजाय पूरे 1000 रुपए पर क्विंटल दूंगा। ये पागल हो गया है क्या? खुद तो डूबेगा, हमें भी डुबाएगा। ये सब तूने सिखाया क्या? दी, मैंने तो 800 रुपए पे मानने को कहा था, ये इडियट तो फैल गया है। ये देव साला तो पलटी मार रहा है एकदम से। मुझे तो कुछ लोचा लगता है। तुम जाके रूपचंद और खूबचंद से पता करो कि माजरा क्या है। जी, एक खुशखबरी और, एक खुशखबरी और। अब और क्या बाकी रह गया है? हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, एक ऐसा एप्पल जूस जिसका मुकाबला कोई भी जूस या कोल्ड ड्रिंक ना कर सके, और उसका नाम होगा रिफ्रेश। इतना सब वो खुद नहीं सोच सकता, 100% तुम्हारी पकाई हुई बातें हैं। दी, बिलीव मी, ये सब खुद बना बना के बोले जा रहा है। अगर मुझे पता होता ना तो इसको मैं यहाँ लाती नहीं। कब तुम एक कचुम्बड़ बना के इसी के जूस में डाल के पूरे शहर को पिला दूंगी। आइए, आइए, किधर? वो देखिए, वो खड़ा हुआ है।
ये तो ड्राइवर है जी। इंस्पेक्टर साहब, हाँ गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चलिए भाई नीचे चलिए। अरे शक्ल सही धोखेबाज आई है। ड्राइवर है ड्राइवर, देवबन की सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। ओह शट अप इंस्पेक्टर साहब, मैं ही देव खन्ना, इंडस्ट्रियलिस्ट दिनेश खन्ना का बेटा। अरे दिनेश खन्ना का ड्राइवर का बेटा है। झूठ ना बोलियो मित्र साहब। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। बोल चुकी मैडम जी, बोल चुकी। मार कंटा आप साले को, अभी उगल देगा। मिस्टर मित्तल, आप वही ड्राइवर हैं? सच बोलियो वे, सच बोलियो। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं ही देव खन्ना हूँ। आई एम सॉरी, मैं तो क्या इस हॉल में किसी को भी इस बात का यकीन नहीं कि तुम देव खन्ना हो। चलो सच सच बता, ये मिस्टर खन्ना का बेटा देव खन्ना ही है ना, या कोई ड्राइवर है? शालू, मैं ही देव हूँ। शालू, शालू मैं ही देव हूँ। शालू मेरी तरफ देखो, जवाब दो। देखा यारा, ये है देव खन्ना। बोलो देव खन्ना साहब की जय। ये लीजिए मेरा इस्तीफा। मम्मा आई एम रियली सॉरी, मैं तो सिर्फ आपकी मदद। चलो प्लीज, आइंदा कभी मेरी मदद करने की कोशिश मत करना। मामा, अरे खन्ना साहब आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? जी ठीक हूँ। छोड़ो छोड़ो, डैड 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 ओह डैड, आई एम सो ग्लैड आप आ गए। ये देखिए, ये लोग यकीन ही नहीं करते कि मैं आपका बेटा देव हूँ। समझा दीजिए इनको, प्लीज 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 बताइए इनको। हाँ ये मेरा बेटा है देव। हाँ देखा, सुन लिया आपने मैं कौन हूँ। चलिए हटिए हटिए यहाँ से, मेहर बनने आए थे। सचमुच देव खन्ना ही है। अरे क्या कर, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से खिसकते हैं। अब आप लोगों को यकीन आया कि मैं ही देव खन्ना हूँ। और सुनिए, जो भी वादे मैंने आपसे किए वो झूठे नहीं है। आज जो भी इसने आपके लिए किया है मुझे उस पर नाज है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम दोनों बाप बेटे मिलकर वो वादे निभाएंगे। रंगीला खन्ना साहब, इनसे मिली, ये समीर है, कमाल का वेंचुरिस्ट है, हाल ही में जापान से लौटा है टूर करके, वहाँ बहुत नाम हुआ है इसका। अच्छा शाबाश, थैंक यू। मम्मा अच्छा हुआ आप आ गए। अरे ये क्या, निमी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। ये वाली पहन लो, ये तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। नहीं मम्मा, ये बहुत बार पहन ली। ओके तो हाँ ये वाली पहन लो, ये तो बिल्कुल नहीं है। मम्मा उसके साथ मैचिंग इयररिंग्स नहीं है। तो फिर मैचिंग इयररिंग वाली कोई भी साड़ी पहन लो, मेरी माँ नीचे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। कौन मम्मा, देव? हाँ देव, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मम्मा मैं 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आती हूँ। 10 मिनट में? टू लेट, वो कह रहा था उसे जल्दी है, कहीं जाना होगा शायद। मम्मा उसको जाने मत देना, मैं 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। 2 मिनट्स मींस 2 मिनट्स। I'm really sorry. ये दूसरी बार, I'm really sorry. इस बार क्या बहाना है? हाँ नहीं नहीं, मैं तो ऐसे घर देख रहा था, बहुत खूबसूरत है। घर देख रहे थे कि किसी को ढूंढ रहे थे? ढूंढ रहा था। नहीं नहीं, मैं चेहरे का रंग तो ऐसे उड़ रहा है जैसे मैंने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। ये तुम क्या कह रही हो नेमी? जल्दी बताओ क्या चुराने आए थे? सच में नेमी, मैं तो जल्दी बताओ।
जिसका सब कुछ चोरी हो गया, अब कुछ चोरी करने की हालत कैसे हो सकती है उसकी। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। आगे सिंपल, ये एंटर दबाकर। तो फिर एग्जिट दबा के आप बाहर जाने की मेहरबानी करेंगे? सॉरी, तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं चला जाता हूँ। ओह, मुझे नहीं पता था कि मेरा ड्राइवर इतनी जल्दी बुरा मान जाएगा। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम 2 मिनट के लिए यहाँ रुक सकते हो। 2 मिनट? 2 मिनट तो मौसम की बातों में ही निकल जाएंगे। अच्छा, वैसे मौसम से ज्यादा कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं करने को। जैसे? जैसे कल तुमने टाउन हॉल में मुझसे की थी। मैंने? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा, कुछ याद आया? झूठ नहीं कहा था मैंने। 2 मिनट हो गए, मैं चलता। तुम इस लम्हे को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते हो देव। मैं भी कहां जाना चाहता हूं शालू? ये वो लम्हे है जिनमें मैंने तुम्हारे सांसों को छुआ, जिनमें मैंने एक बहुत हसीन सा ख्वाब देखा है। ये लम्हे कभी गुजर नहीं सकते, ये हमेशा तुम्हें यहीं रुके हुए मिलेंगे। तुम जब जाओ बस और कुछ मत कहो देव। ये जो भी है, जो कुछ भी हो रहा है, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त है और मैं इसे कभी खोना नहीं चाहती। तुम मेरी जिंदगी में अजनबी बन के आए थे, लेकिन अब तुम इसके मालिक हो। समीर, ओह माय गॉड, तुम आ गए। शालू, हाय रंगीला। हाय समीर। ये हे 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 मोहब्बत दिल का सुकून है दबाव, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार, मोहब्बत दिल का सुकून है दबाव, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। ओ देखा है आज हमने सनम, दिल का सुकून है ऐतबार, दिल की तड़प है ये इंतजार। देखा है आज हमने सनम, आपकी आंखों में प्यार, मोहब्बत दिल का सुकून है ऐतबार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये। हे 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 आहा, इश्क है चाहत का नशा,
किसने किया वो जाने है, कैसा है इसका मजा। इसमें मिलन की है बेखुदी, इसमें जुदाई भी है, इसमें वफाओं का रंग है, बेवफाई भी है। जीते मरते हैं हम आशिक दीवाने। मोहब्बत दिल की अदा है ये इतिया, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। इसमें तो है बेचैनियाँ, इसमें करार भी है, जीत है जो इस खेल में, इसमें तो हार भी है। इसमें जलते मरते हैं उल्फत के परवाने, हो इसमें जल के मरते हैं उल्फत के परवाने। करती है दिल को बेकरार मोहब्बत, दिल की तड़प है ये इंतजार। मोहब्बत दिल का सुकून है दवा, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। ओ देखा है आज हमने सनम शालू, शालू, मामा, शालू कहाँ है? सवेरे से नजर नहीं आई। मामा वो तो आज बहुत जल्दी ऑफिस चली गई, उनकी प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारियां शुरू हो रही है ना। देखा मामा कितना मन लगा के काम कर रही है वो। और तुम्हारा आजकल काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्यों? क्या मामा? अरे क्या मामा क्या, हाँ क्या बज रहा है? काम पे जाने के बजाय तुम यहाँ अकेले बैठकर गुनगुना रहे हो, क्या बात है। उफ मामा, कभी कभी मन करता है ना ऐसे ही अकेले अपने साथ बैठने को। और आप भी बस पता नहीं क्या हिसाब लगा के बैठे हो। बिटिया रानी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, 9 महीने तुम मेरे पेट में थी, हाँ, और देखते देखते 22 साल की भी तुम मेरे ही आंखों के सामने हुई हो। स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारी हर धड़कन का पता है। मामा आपसे क्या छुपाना, आप पूछो, आपको क्या पूछना है? तुम देश से प्यार करती हो ना? देखो सच सच बताना, डोंट एवर लाई टू मी। पता नहीं। पता नहीं? एक्चुअली मुझे उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि उसके सामने पता नहीं कहाँ खो जाती हूँ, और जब वो सामने नहीं होता ना उसी के बारे में सोचती रहती हूँ।
ख्याली पुलाव पकते रहते हैं बस। क्या आपको भी पापा के बारे में ऐसे ही होता था? होता तो था। पापा आपको बहुत प्यार करते थे? देव बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। I'm so happy for you. Hello everyone. Hello. आज तक के सबसे बड़े और सबसे खास फ्रूट जूस के लॉन्च में आप सबका स्वागत है। आपको ये जान के खुशी होगी कि मार्केट रिसर्च के मुताबिक रिफ्रेश इस देश के किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का मुकाबला कर सकता है। अब मैं दिखाऊंगी कि ये बेहतरीन क्वालिटी का जूस हमारी फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है। शुरुआत तो अच्छी हुई। ड्राइवर साहब आगे आगे देखो होता है क्या। हाय, इस हसीना को देखने के बाद और क्या देखो। आपके पिता श्री इधर देख रहे हैं। हमने देश और विदेश के कुछ लोगों को ये ड्रिंक टेस्ट करवाया और उन सबका कहना यही है। Hi, how do you find refresh? Excellent. I tried it first and it's the best. Delicious and refreshing. आपको refresh कैसा लगा? Very fresh and very tasty. This is the best. सब नकली है। नौटंकी वाले हैं, पैसे देते ही बुलवाया। इनका क्या करें? इनका खींच के फेंक दो। आजकल की मल्टीनेशनल कंपनीज अपने प्रोडक्ट को पहचान देने के लिए फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और मॉडल्स पे करोड़ों रुपए खर्च करती है। करेक्ट। लेकिन हमने सोचा कि हम इन सब से कुछ अलग करेंगे, एकदम ओरिजिनल। हम अपनी ड्रिंक को लॉन्च करने के लिए एक ऐसा स्टार लेंगे जिसने इस पूरे शहर को एक नई पहचान दी है, द वन एंड ओनली समीर। वाओ, जिसपे इस पूरे देश को गर्व है। कुछ तो ऐसे हो रहे जैसे शाहरुख खान को बिठा दिया हो। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो हाय। हेलो, आप लोगों ने मुझे मैस्कॉट के लिए चुना, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुझे नहीं, मुझे चुना है बेवकूफ। तो आइए हम सब मिलकर इस जूस को भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा जूस बनाए। कुछ कर दिखाना है, लेट्स गेट टू वर्क। मैं आज सालों बाद वही जोश महसूस कर रहा हूं जो इस फैक्ट्री को बनाने के समय मेरे अंदर हुआ करता था। मैं चाहता हूं कि हम सब मेहनत करके इस लॉन्च को सफल बनाएं, और जैसा कि हमारे मैस्कॉट ने कहा है कि हमें कुछ कर दिखाना है, सो लेट्स गेट टू वर्क। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन।
चोरी चोरी मैंने तुमसे प्यार किया है, मानो ओ जाना। तुमने मुझको कितना बेकरार किया है, मुश्किल बताना। कोई भी तो न जाने हम कैसे दीवाने हुए। दुनिया में ना कोई तुमसे है प्यारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। लगता है होगा नहीं तुम बिन गुजारा। धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। तुमने उस चाइनीज रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी? यस सर। आह गुड गुड गुड, सब चले गए? यस सर। बहुत कबीला आदमी है तू, बहुत कबीला। देख ये ना, ये इतनी सारी फैक्ट्री हमारी हो जाएगी जी। मैनेजर बना देंगे तेरे को मैनेजर। साहिब जी, ये जो लॉन्च की टिकट है ना, इसका फेल होना हमारे लिए बहुत जरूरी है जी। साहिब जी, अब से खन्ना इंडस्ट्रीज को चूसने का काम डबल ट्रिपल स्पीड से लगाना पड़ेगा। सर जी, आज रात की सारी तैयारी कर दी है मैंने। बोलो बोलो, कितने ट्रक मंगवा दूं? इतने कि सारा गोदाम खाली हो जाए। लो जी आ गया सर जी। आ जा मुझे, जल्दी आ जा। जी सर जी। अरे जल्दी निकलना। आया सर जी, आया। इनको बोलो जल्दी करे जी, जी। सारे ट्रक आधे घंटे में निकल जाने चाहिए। निकल जाएंगे जी, निकल जाएंगे। ए, लोड करो जी, लोड करो। इस तरफ वाला। इतने सारे नमक हराम एक साथ? हाँ,
अब समझ में आया कि ये सारा का सारा नमक, मेरा मतलब प्रॉफिट जाता कहाँ है? डैड, हमारी खन्ना इंडस्ट्रीज कभी लॉसेस में थी नहीं, ना इस साल ना पिछले साल, कभी नहीं। वो तो इन लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए रिकॉर्ड बुक्स में तरह तरह के नुकसान दिखाए। डिस्गस्टिंग। इन्होंने सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि यहाँ के किसानों के साथ, पूरे पालमपुर शहर के साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है। मेरा बेटा जो कुछ कह रहा है क्या वो सच है? मैंने तुम्हें भाई माना, इतना विश्वास किया तुम पर, तुम इस कदर गिर कैसे गए? भाई साहब बिल्कुल निर्दोष है, उनको तो पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। जी हाँ, असली पापी कमीने धोखेबाज तो मैं हूँ। छोटे भाई साहब जी, आप कुछ नहीं बोलोगे, आपको माता जी कसम, मैंने अपने फायदे के लिए आपकी पीठ पे चूरा घोप दिया। साहब जी, मेरे लिए भी उतना ही बड़ा झटका है जितना आपके लिए। तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन अब मेरा बेटा इस फैक्ट्री को संभाल रहा है और वही इसका फैसला करेगा। सारी बाजी चौपट हो गई मेरे, चोटियां कुछ खेल हो गई। कोई बाजी चौपट नहीं हुई सर जी, बस एक कांटा हमारे रास्ते से हट जाए तो फैक्ट्री हमारी समझो। सर जी वो देखो सर जी, कांटा खुद रास्ते से हटने के लिए हमारे सामने आ रहा है। अच्छा मौका है सर जी, बोलो तो गड्डी चढ़ा दूं। नहीं 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 वीरू, छोटे अभी जेल में है, बात और बिगड़ जाएगी। सर जी इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ बोल दो। नहीं, हाँ। नहीं 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 देव। ए, आई निमी। हाय सर जी, इसी सुअर के बच्चे ने छोटे को अंदर करवाया है ना, अब इसे मैं परमानेंट ऊपर भेज देता हूँ। नहीं 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 वीरू, नहीं सर जी, वीरू नहीं। Nimi! 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 Oh God! Nimi! Nimi! Dee! Hi Shalu! Oh my God! ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा नहीं लगी, थोड़ी बहुत चोट है। थोड़ी सी? देव क्या बोला है डॉक्टर ने? अच्छा तुमने मामा को फोन तो नहीं किया ना? प्लीज वो बहुत जरूरी काम से गई है, वो परेशान हो जाएंगी, फोन मत करना। नहीं किया है दी, रिलैक्स। और तुम अपनी दीदी की फिक्र मत करना, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ ना? या Hi Nimi. Dev. Oh, hi. These are for you. Thank you. What a lucky day. Wow. 4 दिन के बाद देख रहा हूँ तुम्हें। मैं भी तुम्हें 4 दिन 8 घंटे 31 मिनट और 5 सेकंड के बाद देख रही हूँ। ये एक एक सेकंड कैसे गुजरा है मत पूछो। ताजमहल तो नहीं बना दिया मेरी याद में ट्राइबल साहब? ताजमहल तो नहीं मैडम, लेकिन एक खूबसूरत सी चीज बनवाई है तुम्हारे लिए। क्या है बताओ ना? है कुछ? कम ऑन चलो मुझे दिखाओ, चलो चलो। अब जेब में तो फिट आती नहीं मेरी, तो मैंने तुम्हारे घर भिजवा दिए। घर पे? आने दो, आने दो। हाँ, अरे चुप, अरे चुप। हल्ला मचाने से ये अंदर नहीं आएगा, इसे साइड से घुमाओ और फिर अंदर लाओ। ध्यान से। ओह माय गॉड, इतना बड़ा गिफ्ट किस सरफिरे ने भेजा है? खोलो जल्दी खोलो।
What a beautiful gift. देखो तो किसने भेजा है? देव? कसम खा के कहो, तुमको हमसे प्यार है। प्यार है देव, कसम से। प्यार है। दी, क्या ये सच है? और नहीं तो क्या, तुझे सपना लगता है? जानती हो, मुझे ये खुशी सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली। ना तुम देव को मेरी बुटीक लाती,
ना मैं गिरती, ना वो मुझे अपनी बाहों में लेता, ना हमारी आंखें मिलती, ना हमें प्यार होता और ना ही आज मुझे ये गिफ्ट मिलता। चालू, मैं उससे बहुत 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 प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी वो भी मुझसे प्यार करता है। मगर जिस तरह से हॉस्पिटल में उसने मेरी देखभाल की, इतना वक्त साथ बिताया, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। और आज ये गिफ्ट, मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। शालू, ऊपर क्या कर रही हो? नीचे आओ ना, कम डाउन। हाँ दी, कितनी खुशी की बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो। बट हुआ क्या? आप मेरे साथ चलो। अरे बस चलो। क्या हुआ निमी? आपको कुछ दिखाना है, चलो। मैं गिर जाऊंगी। क्या दिखाना है? ये देखो मामा। क्या? Oh my God! इतना बड़ा तोहफा देव ने तुम्हें भेजा है? I know he's so sweet, mama. And he loves me, and I love him too. I love him. Yeah. He loves you. तो मैं कब जाऊँ खाना सबसे बात करने के लिए? Oh mama, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी बेचैनी तो तुम्हारी आंखों से छलक रही है, और तुम्हारे मजनू मियां की दीवानगी का सबूत ये रहा तुम्हारे सामने। इसलिए मैं आज ही जाकर के खन्ना साहब से तुम्हारी शादी की बात करूंगी। ओ मॉम, थैंक यू। शालू, शालू, सुबह से कहाँ हो तुम? अरे देव तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया है। आई एम सो सॉरी, यू नो ये लॉन्च की डेडलाइन। अच्छा तुम एक काम करो, देव को बोलो मैं उसे 5 मिनट में मिलती हूँ। पक्का? वरना वो मुझे मार डालेगा। लॉन्च। मूर्ति, वो बैंक की अपॉइंटमेंट थोड़ी जल्दी हो सकती है प्लीज? ओके, मैं तुम्हें 5 मिनट में नीचे मिलती हूँ। नारायण। ओह नो, शालू कहाँ है? ऑफिस में। क्या ऑफिस में? अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ उसे। कहाँ है? कहाँ है शालू? अरे अभी अभी यहीं तो थी। हा? पता नहीं कहाँ गायब हो गई। क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा सुबह। अरे ये रही। शालू, शालू, व्हाट द हेल शालू, सुबह से मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही हो। हाय रंसिक, देव तुम ही ने तो फंसाया मुझे इस लॉन्च में। क्या इतनी बिजी हो गया कि तुम्हारे पास एक मिनट नहीं मेरे लिए? ओ देव, देखो मुझे सारे डिजाइन अप्रूव करवाने और डेडलाइन सर पे, और सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं इतनी बिजी हूँ देव, मुझे अच्छा, जाने दो। मैंने भी नहीं खाया, चलो कैंटीन में साथ में ही खाते। नहीं देव, कम ऑन प्लीज, आज वेडनेसडे नहीं, कुछ अच्छा ही बना होगा। रूपचंद जी, बाद में। ऐसे शर्मा रही हो जैसे कि मैं कोई अजनबी हूं। लगता है तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं है। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं, जानती हो शालू, मैं तुमसे किस पल और कब से प्यार करने लगा? उस वक्त जब तुम मुझे दिल्ली ले गई थी, याद है तुम चांद और तारों के साथ बातें कर रही थी और तुमने मुझसे पूछा कि ये क्या करते हैं। उस चांदनी रात में तुम चांद से भी हसीन लग रही थी। बस उस पल से मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा। मैं ये आर्टवर्क डिलीवर करके तुमसे मिलती हूँ। शालू, शालू, पता नहीं यार उसे क्या हो गया। तुम दोनों देख रहे हो ना, सुबह से मुझे कैसे अवॉइड कर रही है। अरे हाँ यार, लेकिन क्यों अवॉइड कर रही है? पता नहीं यार, आज डैड ने भी हम दोनों को घर पे बुलाया। घर पे? लेकिन 5 मिनट पहले उसने मुझे फोन करके कहा कि नीचे कार के पास मिलेगी, बैंक जाने के लिए। हा? बैंक? क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं।
ऐसे करते हैं। क्या? बैंक के बहाने आज मैं उसे घर ले जाता हूँ। करेक्ट, परफेक्ट, राइट 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 राइट। अरे देव, पेस्ट्रीज। अरे नहीं यार, अरे नहीं नहीं, वी आर फुल इनफ एक्चुअली। अरे ऐसे ले जाने को थोड़ी कहा था ये भी। तुम दोनों नहीं समझोगे यार, प्यार में ये सब कुछ करना पड़ता है। मैड, वेरी वेरी मैड। हाय शालू, वो मूर्ति को कुछ जरूरी काम आ गया, वो सीधा तुम्हें बैंक में ही मिलेगा। मैं वही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं देव, मैं ये तुम्हारी टाई को क्या हो गया? टाई को? ओह माय गॉड, केक लग गया, ये कैसे हुआ? शालू दो मिनट घर चलते, मैं कपड़े बदल लेता। नहीं देव, नहीं देव, तुम घर जाओ, मैं टैक्सी से चली जाती हूँ। हरगिज नहीं, तुम्हारा लाइफ टाइम ड्राइवर साथ है और तुम टैक्सी में जाओ। अब तो तुम जा भी जाओगी, साथ साथ ही जाओगी। अमेरिका से लौटते ही मेरे बेटे ने मुझे लिक्विड डाइट पे डाल दिया है। मौका अच्छा है सरिता जी, आप भी लीजिए ना प्लीज। नहीं, आपके लिए मौका अच्छा है, आप लीजिए ना। खन्ना साहब, दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ जी, कहिए। यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो बात शुरू कहां से करूं। हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, मैं चाह रही थी कि आपकी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ तय कर दिया जाए। अरे क्या आप भी यही चाह रहे थे? अरे सरिता जी, मैं तो मौके की तलाश में था कि कब आपसे बात करूं। रियली? देखिए, आधी बात आपने कह दी, बाकी की मैंने पूरी कर दी। थैंक गॉड। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूं। अब जब देव और निमी एक दूसरे को इतना चाहते हैं, तो बीच में हम लोग कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? अरे ये क्या हुआ, पानी लीजिए। ये रोके ना। या, ओके। खन्ना साहब, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि निमी मेरी बहुत प्यारी लड़की है और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो एक बहुत प्यारी बहू भी साबित होगी। वाकई वाकई निमी, निमी बहुत ही प्यारी बच्ची है। और तो मैं आपकी तरफ से ये बात पक्की समझू ना? जी हाँ, बात तो। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा तो मैं चलूं। पर सरिता जी, जी एक बार अपनी मन की शांति के लिए मैं उन दोनों की कुंडलियां मिलवा लेना चाहता हूँ। अरे कुंडलियां तो मिली जाएंगी, मैं आज ही शाम को निमी की कुंडली आपके पास भेज देती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा। नमस्कार। नमस्ते सरिता जी। नमस्कार। कैसे हैं रूपचंद जी? मैं ठीक ही हूँ, वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा भी नहीं हूँ। क्यों, क्या बात हो गई? जब से छोटिया जेल गया है तब से आधा शर्म के मारे मारा जा रहा हूँ और आधा फिक्र के मारे। वैसे आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही है। बात ही कुछ ऐसी है, आज निमी बिटिया और देव का रिश्ता पक्का हो गया। क्या? हाँ हाँ, निमी बिटिया और देव का रिश्ता तय हो गया। हाँ, बधाई हो जी, बधाई हो। शुक्रिया, बहुत खुशखबरी है जी। निमी बेटिया और देव साहब का रिश्ता तो जोरदार रंग पकड़ेगा, दोनों की जोड़ी है कमाल की। लेकिन एक बात है, जिक्र करूं न करूं? क्या बात है? नहीं, छोटिया मुंह बड़ी बात हो जाएगी, रहने दीजिए। साफ साफ कहिए ना, क्या बात करना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि निमी बेटिया और देव साहब एक दूसरे के लिए बने। हाँ? लेकिन कभी कभी बनी बनाई बात भी बिगड़ जावे। क्या मतलब है आपका? मतलब मेरा क्या, कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सालू बेटिया के तौर तरीके ऑफिस में कुछ अच्छे नहीं है जी। क्या? बहन के सुहाग पे मेनका बनके डोरी डालना, ये कहाँ की अच्छी बात है। वैसे देव साहब अच्छे इंसान है, लेकिन आखिर है तो इंसान ही ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या, मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी, मैं मंदिर से आ रहा हूँ, देख लो। आज की ऑफिस की बात ले लो, दोनों लिफ्ट में, मुझे अंदर आने नहीं दिया, दोनों लिफ्ट में बंद। अब ये नजारा तो रोज ही देखने को। शट अप, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? मैं, आप चाहो तो ऑफिस में जाके सबसे पूछ लो, कोई भी बताएगा। वैसे मुझे साहब से मिलने जाना था। वैसे देव साहब और सालू बेटिया की जोड़ी, मेरा मतलब है निमी बेटिया और देव साहब की जोड़ी सलामत रहे, भगवान। नमस्ते।
शालू। नहीं देव प्लीज। शालू ये तुम्हें क्या हो गया? प्लीज मुझे जाने दो देव, आज नहीं कभी और। मेरी बात तो सुनो शालू प्लीज। नहीं देव प्लीज। जान से मिल तो दो ना, कम ऑन। नहीं शालू, नहीं, नहीं प्लीज मुझे जाने दो। नहीं शालू, तुम्हें तुम्हें मुझे बताना ही होगा क्या हुआ। हाँ तुम एक दिन में इतनी क्यों बदल गई, सुबह से मुझे क्यों अवॉइड कर रही? नहीं देव प्लीज, मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी प्लीज। शालू क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कह दिया? कम ऑन शालू। नहीं देव। शालू 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 शालू। तुम देख रहे हो ना शेखर, माँ और बेटी मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। 20 साल पहले इस औरत ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली थी, मेरा घर उजाड़ दिया था, और आज आज उसी की बेटी हमारी बेटी की सारी खुशियां छीनने जा रही है शेखर। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, अपनी जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हर किसी नहीं होने दूंगी। मामा क्या हुआ? मामा आप इतनी परेशान क्यों हैं? किसकी बातें कर रही हैं? और किसकी, वही जिसे तुम अपनी बहन मानकर अपने सीने से लगाती रही हो, शालू। हाँ हाँ शालू, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी पीठ पीछे वो क्या कर रही है? बिल्कुल अपनी माँ की तरह है वो, गिरी हुई। अपनी माँ की तरह? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मामा आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप शालू के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों मामा? तुम जानना चाहती हो, सुनना चाहती हो? मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ तुम्हें उसकी असलियत। गुड इवनिंग मामा। हाय दी। हाय। अरे तुम यहाँ बैठी हो? वेरी बैड। कितनी हसीन शाम है, रोमांटिक मौसम है, तुम्हें तो देव के साथ डिनर पे होना चाहिए था। अरे दी अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो देव को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती, शॉपिंग, क्लब्स, फिल्म्स, रेस्टोरेंट्स, डिस्कोस, हर जगह साथ ले जाती। बंद करो ये बकवास, हम दोनों को पता है कि तुम हमारे पीठ। मामा प्लीज शालू आज रहने दो ना,
किसी और दिन फोन कर लूंगी। कुछ हुआ है क्या? आप दोनों चुप क्यों हैं? शालू मामा, तुम जानते आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो मामा। क्या हुआ दी? कुछ नहीं शालू, नथिंग। कुछ तो हुआ है मामा। बंद करो अपना ये ढोंग और खबरदार जो मुझे मामा कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। प्लीज मामा। नहीं निमी, आज इसे सुनने दो कि ये कौन है, इसकी असलियत क्या है। इसे भी पता चलना चाहिए कि कौन सा गंदा खून है इसके अंदर। आपको क्या हो गया है? क्यों आप मुझे इतनी कड़वी बातें सुना रहे हैं मामा? कहा ना मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। क्यों ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि तुम्हारी मामा तो वो थी जिसने मेरी और निमी की जिंदगी में जहर भर दिया। मामा प्लीज, बहुत हो गया मामा, प्लीज शांत हो जाइए। चलो शालू तुम ऊपर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। चलो। रुक जा निमी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। शालू तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की थी और निमी हमारी बेटी है और तुम्हारी माँ, पता नहीं वो दोनों कब साथ रहने लगे। क्या उस औरत का चरित्र होगा, कैसे संस्कार होंगे उसके, कैसे परिवार की रही होगी वो कि उसने एक शादीशुदा आदमी के साथ नाजायज संबंध जोड़े। उसी नाजायज संबंध की तुम नाजायज औलाद हो। शालू शालू मैं हूं ना, हकीकत जो भी हो हमेशा की तरह हम अभी भी एक हैं। नहीं निम्मी, 20 साल से मैंने ये दर्द अपने सीने में दबा के रखा। शेखर से किए हुए वादे की खातिर मैंने इसे अपना नाम दिया, अपनी बेटी की तरह माना और सारी दुनिया को भी यही बताया कि ये मेरी बेटी है। मैंने दूसरी शादी नहीं की ये सोचकर कि कहीं ये बीता हुआ कल फिर से हमारी खुशियां न छीन ले। इसे वो सब कुछ दिया जो तुम्हें दिया, जो भी तुम्हारे लिए किया वो इसके लिए भी किया, जबकि इसका मेरी नजरों के सामने होना हमेशा मेरा जख्म भरने से रोकता रहा। शालू 20 साल पहले तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली थी और आज तुम वही मेरी बेटी के साथ करने जा रही हो। नहीं शालू, मैं तुम्हें अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बस मामा हो गया, निकाल लिया आपने अपना 20 साल पुराना जहर, कि और भी कुछ बाकी है? चलो शालू। शालू सच सच बताओ कि तुम देव के साथ उस घर में क्या कर रही थी, क्या रिश्ता है तुम्हारे देव के साथ? मामा प्लीज इस बात को मत छेड़ो। क्यों ना छेड़ूं? जरूर छेड़ूंगी, तुम्हें अगर नहीं सुना तो मत सुनो, लेकिन मैं आज इस बात का फैसला करके ही रहूंगी। मामा प्लीज। निमी तुम अपने कमरे में जाओ। शालू मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा किया? वो बहन जो तुमसे इतना प्यार करती है, हमेशा तुम्हारी तरफदारी करती है, तुम पर अपनी जान छिड़कती है, तुमने ऐसा क्यों किया शालू? नहीं मामा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं दी से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। झूठ, सरासर झूठ। एक बात अच्छी तरह समझ लो शालू, देव और निमी की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। आप सब गलत समझ रही हो मामा। मैं तुम्हें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा मुझे मामा न कहने में, मगर तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हारी मामा हूं। जब तक देव और निमी की शादी नहीं हो जाती, उसके बाद तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हारा फैसला कर ही लेगी।
कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। शालू, मेरी बात सुनो। देखो मामा कुछ भी कहे, सारी दुनिया कुछ भी कहे, तुम और मैं जानते हम लोग कितने गरीब हैं। मैं तुम्हारी बहन हूं और जिंदगी भर रहूंगी। हाँ दी। और एक बात कहूं, तुम्हारी मामा बहुत अच्छी रही होगी और मेरे पापा भी, तभी तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी शालू दी। तुमसे अच्छी बहन तो मुझे और कोई मिल ही नहीं सकती थी। सुन रही हो ना? तुम देव से प्यार करती हो? सच सच बोलना शालू। नहीं दी, नहीं। अगर तुम देव से प्यार करती हो तो देव तुम्हारा है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। एक देव क्या, तुम्हारी जैसी बहन के लिए तो 100 देव कुर्बान। नहीं दी, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, बस आगे कुछ मत बोलना। आज से देव तुम्हारा है। नहीं, नहीं दी, दी। तुम जानती हो तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी दी हो, लेकिन सबसे बड़ी बुद्धू भी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं एक साथ दो दो लड़कों से प्यार करूं? दो? तुम तो जानती हो कि मैं बचपन से ही रंगीला समीर। हाँ, इसीलिए रात को छुप छुप के इसका शो देखने जाती थी और मेरे इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। फिर तो सब कुछ ठीक है। और मामा, मामा को तो मैं मना लूंगी, वादा करती हूँ। और फिर सब ऐसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, हम सब खुश। हाँ दी। समीर, यू डॉग, यू स्काउंड्रल, यू रास्कल। तुम सोचते हो तुम बहुत चालाक हो, तुम जो चुपके चुपके करते आए हो ना। मैं सब जान गई हूँ। मैंने क्या किया है? अरे जो भी किया है इसने किया है। तो हवा तक नहीं लगेगी। बैठो, बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैं नहीं, ये। देखा, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। शालू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। शालू ने बता दिया? लेकिन क्या? चुप बुद्धू। जी बुद्धू। क्या बता दिया शालू ने? यही कि तुम और शालू एक दूसरे से प्यार करते हो, है कि नहीं? ये शालू कह रही थी? नहीं, उसका भूत। तुम बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? बताओ। दिल की गहराइयों से, दिलो जान से, बचपन से, हर पल, हर एक पल बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। बचपन से उसके रोमियो हो और मुझे और मामा को खबर तक नहीं। लेकिन शालू है कहाँ? उसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। नारायण का फोन आया था ऑफिस से अचानक, उसे जाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ गई है। क्या मसाज? मसाज नहीं, मैसेज। कौन सा मैसेज? शालू आज शाम तुम्हारे घर आ रही है। अच्छा? ये! यस! आज शाम तक वक्त कैसे कटेगा रंगीला? अरे वक्त ही कहा है, वो आ रही है वो। हाँ हाँ, घर सजाना होगा, कुछ नाश्ता कुछ। लेकिन सबसे पहले अंगूठी बुद्धू। अरे हाँ, लेट्स गो। देखो शालू, तुम्हारी मम्मा की गलतफहमी तो दूर करनी पड़ेगी। उस वक्त डैड तुम्हारी मम्मा को निम्मी के लिए ना नहीं बोल सके और वो ये सोच बैठी है कि बात पक्की हो गई है। उन्हें सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। नहीं देव, मैं मम्मा और दी को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो।
तुम नहीं जानते, दी तुमसे बहुत प्यार करती है। देखो शालू, निमी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर कुछ नहीं हो सकता है देव, मैं तुम्हें निमी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं कुछ ऐसा भी तो नहीं कर सकती हूँ जिससे मामा या निमी के दिल को ठेस पहुंचे। और मेरे दिल का क्या? हाँ शालू, मैंने जो तुमसे प्यार किया है उसका क्या? क्या उसकी कोई कीमत नहीं? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी मां निमी सब कुछ है? बोलो शालू, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? देव, मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात का एहसास नहीं? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम नहीं जानते हो दी मेरे लिए क्या है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो अपना प्यार कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो फिर क्यों शालू, क्यों? ये कैसी प्रॉब्लम्स हैं? क्यों हम सबको नहीं बता सकते कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं देव, नहीं। अगर मामा को ये बात पता चली तो सब कुछ बिखर जाएगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मेरी मामा के लिए ऐसा मत करना। क्यों नहीं शालू, क्यों नहीं? वो तुम्हारी भी तो माँ है ना, क्या वो तुमसे उतना ही प्यार नहीं करती जितना निमी से करती है? वो उतना ही खुश होगी शालू। तो कैसी ये तबाही, कैसा ये घर बिखरने का डर है तुम्हें? वो मेरी असली माँ नहीं है देव, मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियां दी है। वो दिल से चाहती है कि तुम्हारी और निम्मी की शादी हो। मैं उनकी खुशियां नहीं छीन सकती। प्लीज तुम मेरी मजबूरी समझो। समीर भैया, शालू आई है। शालू आ गई। ओनो बैठाओ, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। जी भरिया भरिया, आप यहाँ बैठिए, समीर भैया आ रहे हैं। शालू, तुम मुझसे शादी करोगे? शालू, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? अरे हीरो, जल्दी कर, जल्दी करना। एक मिनट यार अंगीला, एक मिनट। समीर, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ शालू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मैं समीर, मुझसे एक गलती हो गई है। समीर, मैंने दी से कहा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। समीर, तुम सुन रहे हो ना? समीर। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। प्लीज समीर, मुझे गलत मत समझना, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। झूठ बोला? I'm sorry समीर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं समीर? दी देव से बहुत प्यार करती है और मैं भी चाहती हूं कि उन दोनों की शादी हो जाए। समीर, तुम मेरी मदद करोगे? मेरे साथ प्यार का नाटक करोगे? समीर, तुम चुप क्यों हो? समीर, समीर तुम सुन रहे हो ना? क्यों नहीं करूंगा प्यार का नाटक, जरूर करूंगा। अरे ऐसा नाटक करूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं नाटक कर रहा हूं या असलियत है। एक मिनट, ये पकड़ो, हाथ दो। शालू, तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो शालू। शालू, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं, मुझसे शादी करोगी? समीर, थैंक यू।
You're my best friend. I know. लेकिन आखिर क्यों देव, क्यों तुम निम्मी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? और फिर तुम तो शालू से बहुत 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 प्यार करते हो, फिर ये खुदकुशी क्यों देव? दोस्त, ये मेरा बहुत 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 प्यार ही तो मुझे मजबूर कर रहा है। शालू ने जब मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरे दिल पर क्या गुजरी मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मेरा दर्द मुझसे सहना मुश्किल था और मुझे पता है कि शालू का भी यही हाल है। शालू ये सब अपने मां के लिए कर रही है। मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। इस वक्त अगर मैं निमी से शादी ना करूं तो शालू सब कुछ खो बैठती है, अपना घर, अपनी बहन, अपनी मां, अपना सब कुछ, और मैं ये कभी नहीं चाहता। खन्ना साहब, कुंडली मिल गई? देखा, मैंने कहा था ना, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो जल्दी से रस्में शुरू कर देते हैं। अच्छा, ओके, नमस्कार। अच्छा निम्मी, बता तो सही, ये देव दिखने में कैसा है? उसकी आंखें भेंगी हैं, सर गंजा है, और बेचारा लकड़ी के सहारे चलता है। अरे, 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 अरे। और मुझसे कहता है, निम्मी जान, सिनेमा देखने चलोगी? क्या सचमुच देव ऐसा है?
अरे नहीं, जिस दिन देखोगी ना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मुबारक हो मित्तल साहब, आपका एक सपना तो पूरा होने को है। एक क्या जी, सारे सपने पूरे होंगे जी इनके और साथ में हमारे भी। तू जेल से भाग के कब आया रे? भाग की नहीं है जी, वो खन्ना साहब ने छुड़वा दिया, वो घर में शादी थी ना, बहुत बड़ा दिल है जी उनका। दिल्ली से देलानी साहब का फोन है सर। हाँ बोलो, कुछ पता चला है? हाँ, वेरी गुड, बर्थ सर्टिफिकेट फॉरन फैक्स कर दो। अब आई बिल्ली शेर की मांद में। अब तो सरिता जी को मेयर की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, वरना समझो शादी रुकी ही रुकी महाराज। ये तुम्हारी लाडो दिन भर काम ही करती रहती है क्या? शालू नाम है इसका, बड़ा प्यारा नाम है। आ थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ। कल अंगूठी की रस्म करने के लिए दूल्हे को लाने तू ही जाएगी ना? अरे भाई, इतनी सुंदर साली जाएगी तो दूल्हे राजा इसी पे फिदा हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं जा पाएगी, यहाँ इतना सारा काम है ना। मेन साहब मित्तल साहब आए हैं, कह रहे कोई जरूरी काम है। मैं भी आई। हाँ, एक शादी में दो दो बेटियां विदा हो जाएंगी। नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा मौका है, मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर ली जाए। मैं अभी आती हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि रेणु वर्मा कौन है? कौन रेणु वर्मा? मैं किसी रेणु वर्मा को नहीं जानती। रेणु वर्मा का आपके पति के साथ क्या संबंध था? चलिए ऊपर चल के बात करते हैं, चलिए। आप कितना भी छुपाना चाहे महाराज, लेकिन गंदगी सामने आ ही जाती है, नहीं? क्या सच नहीं है महाराज कि आपके पति शेखर के रेणु वर्मा के साथ नाजायज संबंध थे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, निकल जाइए यहाँ से। I said get out from here। ऊंची आवाज में बात करके आप अपना ही नुकसान कर रही हैं महाराज, बाहर लोग सुनेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी ना। मैं कहती हूँ आप लोग यहाँ से जाते हैं या नहीं। सरिता जी, सरिता जी, क्या ये बात सच नहीं कि शालू आपके पति की नाजायज औलाद है? और झूठ मत बोलिएगा महाराज, क्योंकि ये रही शालू के बर्थ सर्टिफिकेट की जेरोक्स कॉपी, और उसमें उसकी माँ का नाम साफ साफ लिखा है, वो है रेणु वर्मा। बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ भी लिखा हो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये बात आपने आज तक समाज से क्यों छुपाई महाराज? क्यों लोगों को बताने की कोशिश करती नहीं कि वो आपकी बेटी है महाराज? ये सब सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं? जो आप चाहते हैं वो मैं हरगिज नहीं करूंगी। जरा सब्र से काम लीजिए और ध्यान से सोचिए, क्या आप चाहती हैं कि ये शादी रुक जाए? क्या आप चाहती हैं कि एक नाजायज औलाद की वजह से एक जायज औलाद की खुशियां लुट जाएं? इसमें निम्मी का क्या कसूर है? क्या आप चाहती हैं कि निम्मी की शादी कभी ना हो? आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इस शहर को तबाह होने नहीं दूंगी। आप भगवान के लिए मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दें? हमें भी तो मेयर बनना है महाराज। ये लो, स्वतन की बेटी भी आ गई। अरे अरे, तो बड़ी चली आ रही है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी खोखली धमकियों से हम डर जाएंगे? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शालू, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मम्मा प्लीज, ये आदमी तो क्या ममा ममा कर रही है, ये तेरी माँ है ही नहीं। ये देखो तुम्हारा असली बर्थ सर्टिफिकेट देखो। कागज का टुकड़ा माँ नहीं बदल सकता।
यही मेरी असली मामा है और यही रहेगी। शालू तुम मेरी बेटी नहीं हो और ना ही कभी हो सकती हो मामा। और आज ये दिन भी मुझे तुम्हारी वजह से देखना पड़ रहा है। यहाँ तक ये लोग निमी की शादी रोकने पर तुले हुए हैं। नहीं मामा, निमी की शादी होगी, जरूर होगी। कैसे होगी शालू जी, कैसे? चलो माना कि देव आज की पीढ़ी का नया छोकरा है, लेकिन क्या खन्ना साहब एक ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहेंगे जहाँ नाजायज औलाद पल रही हो महाराज? सरिता जी, दूसरे का छोड़ो, अपना भला सोचो। सोचो अगर ये शादी रुक गई तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? ये शादी होगी मित्तल के बच्चे, मैं खुद खन्ना अंकल को सारी बातें बता दूंगी। शालू, शालू, शालू रुक जाओ, तुम खन्ना साहब को खुद बताओगी ताकि वो ये रिश्ता ही तोड़ दे? हाँ? नहीं मम्मा। जाके देखो महाराज, जाओ जाओ। मम्मा, शालू, शालू रुक जाओ, शालू, शालू, मैं कहती हूँ रुक जाओ, शालू, मेरी बात तो सुनो शालू। सरिता जी क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? शालू, शालू, सरिता जी क्या हुआ? शालू, जल्दी ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालो। वजेंद माई बाज तेरे, वजेंद माई बाज तेरे, कुमलाइयां ने तेरियां हलाजलियां, वे तेरियां हलाजलियां, परछाइयां ने भागे फिर निकदे, वे भागे फिर निकदे ना, आइयां वे इक पल बह जाना, वे इक पल बह जाना, तेरे को अरे एक से काम नहीं चलेगा भाभी जी, याद रखना। शालू, शालू क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? शालू कुछ तो बताओ, हुआ क्या? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी सर, नीचे शालू आई है सर, बहुत घबराई हुई है, कुछ ठीक नहीं लग रही। अंकल, मैं आपसे, क्या मैं आपसे, अंकल मुझे क्या बात है शालू बेटे? अंकल बोलो शालू, बोलो बेटे। अंकल, अंकल मुझ में क्या खराबी है? क्यों मैं सबकी परेशानी की वजह हूं, खास तौर पे अपनी मामा की? और वो तो मेरी मामा ही नहीं है, जिन्हें आज तक मैं अपनी मामा मानती आई हूं, जिन्होंने मेरी इज्जत रखने के लिए मुझे अपना नाम दिया, जिनसे मैं इतना प्यार करती हूं, वो तो मेरी मामा ही नहीं है। मेरे मामा और पापा तो 20 साल पहले एक्सीडेंट में मर गए थे। आप ही बताइए, क्या मेरा सौतेली बेटी होना
मेरी गलती है? क्या ये मामा की गलती है कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूं? अंकल, क्या आप ये सच्चाई जानने के बाद कि निम्मी और मैं सौतेली बहने हैं, ये शादी तोड़ देंगे, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूं कि आप मेरे परिवार के साथ कोई संबंध रखना पसंद नहीं करेंगे? क्या मैं इतनी खराब लड़की हूं कि मेरी मामा और दी को मेरे होने की सजा भुगतनी पड़े? अंकल प्लीज। ये मुझसे कितना प्यार करती है, क्या यही वो बच्ची है जिसे मैंने जिंदगी भर इतनी नफरत की? जो कुछ भी हुआ उसमें इस बेचारे की क्या गलती थी? ये मुझसे और निम्मी से कितना प्यार करती है। अब खन्ना साहब जो भी फैसला करे मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं तो अपनी इस प्यारी सी बच्ची को बस अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। जीती रहो बेटे, और तुम्हारी जैसी सौतेली बेटी पाने के लिए मैं हजार सगी बेटियां कुर्बान कर दूं, और तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये शादी होगी, जरूर होगी। और मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, इतने सारे लोगों के सामने तुमने अपनी हकीकत कह दी। खुश रहो। मैं अपने पापा को तो कभी ना जान सकी, लेकिन आपको देख के लगता है वो जरूर आप ही की तरह रहे होंगे। अगर मुझे अपने पापा की तरह मानती हो तो मेरी एक बात का जवाब दोगी ईमानदारी से? क्या तुमने कभी देव से प्यार नहीं किया? देव से सिर्फ निम्मी ने प्यार किया है। थैंक यू अंकल, मैं जल्दी से मामा को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। Thank you, Dave. Thank you so much. वाह बेटी वाह, इतनी आसानी से कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी। दीदी दीदी मेम सब आ गए। शालू बेबी कहाँ है? ऊपर है मैडम। सरिता कहाँ गई थी?
अरे जवाब तो दे। मामा मामा मैंने खन अंकल से बात कर ली है, वो दी और देव का रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। मैं जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया, सब सुन लिया। मुझे माफ कर दो शालू, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तू तो मेरी बच्ची है ना, मेरी अपनी बेटी। हाँ, तू तो मेरी अपनी बेटी है ना, मेरी अपनी बच्ची। मुझे माफ कर, मेरी बच्ची। मामा आज पहली बार आपने मुझे गले लगाया, इतनी जल्दी अलग मत करो। मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हें हमेशा गले से लगा के रखूंगी शालू, हमेशा के लिए। तुम्हारी माँ तो कोई बहुत ही महान औरत रही होंगी जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। यकीन मानो शालू, मुझे नहीं मालूम था कि तुम और देव पहले से एक दूसरे को इतना चाहते हो। मुझे नहीं मालूम था। तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है शालू, मैं निमी को समझा लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, दी के हाथों में मेहंदी लग चुकी है और कल सगाई की रस्म है, वो टूट जाएगी। मामा, दी को देव मिल गया और मुझे मेरी माँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीदी वहां देखो, देखो चोरी नहीं की है, तेरे संग यारा जोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके।
कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। समीर, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं निम्मी, कुछ नहीं। कुछ बात तो है, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देखा, कितना भी छुपाओ सच्चाई छुप नहीं सकती। ये रंगीला ऐसे क्यों कह रहा है, ये किस सच्चाई की बात कर रहा है? निम्मी, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। हाँ, देखो निमी, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। नहीं समीर, तुमने तो मुझे ऐसे पाप से बचा लिया जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। शालू ने ये सब मेरी खुशी के लिए किया ना, पागल। इतना भी नहीं समझती कि जब वो देव से प्यार करती है और देव उससे, तो मैं देव के साथ कैसे खुश रह पाती। प्यार पाना सबकी किस्मत में नहीं होता। लेकिन प्यार करना तो सबकी किस्मत में होता है ना निम्मी, चाहे वो सपने बन के ही क्यों ना रह जाए। जब तक सपने थे अच्छे थे, अब नहीं है तो ना सही। जीना इसी का नाम है। समीर, हमने प्यार तो कर लिया लेकिन अभी प्यार का फर्ज निभाना बाकी है। तुम ठीक कहती हो निमी, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। आज के इस लॉन्च को और यादगार बनाने के लिए मैं आप सबको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, और वो है मेरे बेटे की शादी सरिता जी की बेटी के साथ। कम ऑन दीप। ये क्या कर रही हो दीप? अंकल तो तुम्हारी और देव की बात कर रहे हैं। शालू, तुमने और मामा ने कैसे सोच लिया कि तुम लोगों को दुख पहुंचाकर मैं खुश रह सकती हूं? अरे पगली, देव तो तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तो मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? नहीं दीप, वो तो अच्छा हुआ समीर ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो और तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए।
तुमने जो किया ठीक किया निमी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। दिल का सुकून है तबाह, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार, मोहब्बत दिल का सुकून है तबाह, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। ओ देखा है आज हमने सनम, दिल का सुकून है ऐतबार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। देखा है आज हमने सनम, आपकी आंखों में प्यार, मोहब्बत दिल का सुकून है ऐतबार, मोहब्बत दिल की तड़प है।